हमारा टॉपिक है क्रिस्टल, जो मुझे स्पिरिचुअलिटी के लाइन में इतनी हाईएस्ट प्रभावित किया है, और मैं इतनी सारे नॉलेज गेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के रिलेटेड क्रिस्टल्स को यूज करके मैंने स्वयं की बहुत नॉलेज एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस, मीन्स मैं एक्चुअली बाहर लाइफ में, जैसे नॉर्मली डेली रूटीन लाइफ में इतनी एक्सपीरियंसेस नहीं है जो मेरा लाइफ में क्रिस्टल के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैंने किसी को क्रिस्टल सजेस्ट करके फिर वो यूज करने के बाद, वो तकलीफ से बाहर आने के बाद जो क्लाइंट मुझे जो एक्सपीरियंस सुनाते हैं, और मैं नॉर्मल लाइफ में मैं इतनी एक्सपीरियंसेस मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, या तो क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस किया या मेरा खुद एक्सपीरियंसेस है क्रिस्टल के साथ। ओके, सो एक 2 मिनट्स में आपको क्रिस्टल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ मैं 2 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट, माय मदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिस्टल्स। शुरू से उनको पता नहीं, कहीं भी वो ज्वेलरी की शॉप पे कोई रूबीज एंड रॉल्स एंड जैसे मोती मूंगा कई कई चीजें वो करती थी, और सेमी प्रीशियस के अंदर पेंडेंट डालना निकालना, फिर वही 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 काम पे बहुत बिजी रहती थी, और कोई इसका सारी के मैचिंग की कोई चीज मिलता नहीं है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और होती थी। कोई मजे की बात नहीं, मगर बहुत फ्रस्ट्रेटेड और होती थी कि एवरीथिंग, और बीट्स बहुत पसंद करती थी। उसी इंटरेस्ट से मम्मी ने मुझे सूरत भेजा था कि जमवाल जी पढ़ के आना, फिर जैसे 2 वीक्स का जैसे छोटा शॉर्ट कोर्सेस है जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेम स्टोन्स में, सो वैसा मैंने सूरत और अमरोली पहुंच गए थे। फिर वहां हॉस्टल में रह के फिर मैंने जैसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट किया था, दुनिया में जो सारे मजा मैं बस आइडिया ही में चख लिया था। मीन्स किसी को चॉकलेट इंटरेस्ट है, किसी को कोई चीज इंटरेस्ट है, डॉक्टर को अपनी प्रोफेशन में कैसे इंटरेस्ट है, मुझे पता नहीं था कि पत्थर में भी इतनी सारी चीजें होती हैं। और ऐसा मजा लिया मैंने वो 2 साल वहां जो पढ़ाई किया था अमरोली में, बहुत मीन्स सोल, एक आत्मसंतृप्ति जो हम बोलते हैं वो आत्मसंतृप्ति मिला था। फिर मैं घर आके भी, मैं इंटर हॉलीडेज के बाद फिर मैं घर आके, घर पे फिर वो मुझे डिग्री इंजीनियरिंग कुछ ना कुछ ज्वाइन करना था तो मैंने मना कर दिया, फिर वापस बैग पैक करके फिर हाईएस्ट कोर्सेज के लिए वहां गया था। मैंने जमोल जी में भी ग्रेड्स हैं, जैसे ओनली नवरत्न को आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट है जो सेमी प्रीशियस है, कम से कम 1500 से 2000 वेराइटी है उसको आइडेंटिफाई करना, सो मैंने नवरत्न को आइडेंटिफाई करना, नवरत्न जैसा मिलने वाली बाकी जो ऊपर रत्न है सेमी प्रीशियस है ओके वो सब आइडेंटिफाई करना, और क्रिस्टल को भी हीरोइन जैसा प्लास्टिक सर्जरी होती है, हीट ट्रीटमेंट होती है, कई चीजें होती है इसके ऊपर, डिफ्यूजन होती है, कुकिंग होती है, फिर ये ओरिजिनल नगीना है या डिफ्यूज है, कुकिंग है, और ये ट्रीटमेंट किया हुआ है, ग्लास है, एक सब चीजें मैं आइडेंटिफाई करना। इसके बाद फिर ये एक क्रिस्टल को मुझे देख के ये किस माइंड से आया है, जैसे हम किसी को देख के ये ब्राह्मण है या कोई शेट्टी है या ये चौधरी है, हम कैसे, ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन है, फॉरनर है, अफ्रीकन है, हम कैसे एक इंसान को देख के ये पंजाबी है कैसे पहचानते हैं, पहचान में आती है ना इंसान की जात, वैसे ही नहीं पहचानने वाले के लिए सब पीला पीला है, जो पहचानने वाले के लिए ये नगीना एक ही है, मगर किस कंट्री से आया है वो कंट्री भी, और ये कितनी पुरानी है वो पुरानी भी, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ ये ओरिजिनल है, और ट्रीटमेंट हो गए तो कौन सी ट्रीटमेंट हुआ है, कंप्लीट एक क्रिस्टल हाथ में आते ही एक हार्ट की एक धड़कन होती है वो एक डिफरेंट होती है, फिर वो खुद ही बोलती है कि मैं फलाना हूँ, मैं इधर से आई हूँ और मेरा काम ये है और मैं ये काम करने आई हूँ, क्रिस्टल बोलती है, जैसे बोलने वाला पेड़ पौधों से बात करते हैं और प्रकृति से बात करते हैं और उससे फ्रेंडशिप करते हैं और बहुत एनर्जी कैसे लेते हैं, क्रिस्टल के अंदर एक फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे हमारा हार्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी है, हार्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी है, लंग, लिवर, किडनी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन रिदम्स, और ये सब कैसे एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसा ही सेम क्रिस्टल के अंदर भी फ्रीक्वेंसी है। 1 मिनट में 52,000 टाइम्स क्रिस्टल एनर्जी लेके देती है, जैसे हमारा हार्ट 72 टाइम्स हार्ट कैसे बीट होती है, क्रिस्टल के अंदर 52,000 टाइम्स इतनी हाई लाइट को ऐसा लेती है और देती है, और क्रिस्टल के अंदर जो सिलिकॉन की क्वालिटी है
उसी हिसाब से वो कितनी कितनी इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी ले सकती है और कितनी कितनी वो लेके फिर वापस कितनी दूर तक वो पहुंचा सकती है। ओके, ये दोनों वो क्रिस्टल कर सकती हैं। क्रिस्टल की खासियत क्या है? ये सुपर एक जम और एक सुपरस्टिशियस पावर है क्रिस्टल के अंदर। वो मेन दो बात है, एक हम जब क्रिस्टल को अपने गले पे यूज कर लिया या मेडिटेशन के लिए यूज कर लिया या कहीं भी रख लिया, यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आ रही हैं वो क्रिस्टल कैच कर सकती है। ओके, मैं सारे गए नहीं, एक एक क्रिस्टल एक एक टाइप ऑफ एनर्जीज को कैच कर सकती है। अभी हम आम का पेड़ और एप्पल का पेड़ बगल बगल में रख लिया एक ही जगह पे, मगर जो एप्पल के अंदर जो मिनरल है वो आम में नहीं आएगी, आम के अंदर मिनरल है जो एप्पल के अंदर नहीं आएगी। दो पेड़ बगल बगल में रखने के बाद भी जो उसका बेसिक सीड है वो ही मिनरल धरती से वो लेके वो फ्रूट के अंदर वो ही विटामिन आएगी, है ना। वैसा ही डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स वो यूनिवर्स में से जो आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को लेते हैं, फिर उस इंसान को जो भी क्लाइंट यूज कर रहे हैं, मेडिटेटर जो भी हो वो यूज कर रहे हैं, फिर उसको जो कमी है या तो जिस प्रॉब्लम से या डेफिशिएंसी से वो परेशान हो रहा है उसको उसी क्रिस्टल को यूज करना है। ऐसा नहीं है अपन को ड्रेस को मैच हो रही है या यार मुझे 500 रुपए में चाहिए, जो 500 रुपए में आता है वो क्रिस्टल यूज करो वो मुझे फायदा कर दे, वैसा नहीं होता है क्रिस्टल। फिर जिस चीज से हम गुजर रहे हैं, जिस बात पे हमारे अंदर ब्लॉकेज है और जो सेल्स हमारे अंदर एक्टिव नहीं है और जो सेल्स इंफॉर्मेशन ले नहीं पा रहे हैं, फिर जो सेल्स हमारे अंदर इंफॉर्मेशन ले नहीं पा रहे हैं जो क्रिस्टल वो इंफॉर्मेशन ले रही है वो क्रिस्टल हम यूज करते हैं कॉम्पनसेट करने के लिए उस एनर्जीज को। अंडरस्टैंड, क्लियर? और कोई कोई को मालूम नहीं चल के यार ये ग्रीन क्या है सारे साड़ी के ऊपर मैच हो जाती है, ये पेंडेंट क्या है मेरा हल्की है अच्छा लगती है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करके, अरे देखने में के लिए आंखों के लिए जो अच्छा है वैसा लोग क्या करते हैं क्रिस्टल को सेलेक्ट करके कुछ ना कुछ लेके यूज करते रहते हैं। जैसे आप फैंसी के लिए यूज कर रहे हो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्रिस्टल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ भी आप पहन सकते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आपको कुछ हीलिंग होना चाहिए कुछ अच्छा होना चाहिए और जिस पॉइंट से आप परेशान हो रहे हो उस पॉइंट से आपको पर्टिकुलर बाहर आना है तो आपको हीलर को जेमोलॉजिस्ट को जो क्रिस्टल के एवरीथिंग समझ सकता है उनसे हमको क्रिस्टल सजेस्ट करके लेना है। अभी हम मेडिकल शॉप गया है, अरे यार एक हॉल्स दे दो और एक विक्स दे दो, एक अमृतांजन दे दो, ओके फिर और एक बबल गम दे दो, ये चीज कोई भी ले सकता है कोई भी खा सकता है ना, ऐसा कोई परेशान नहीं। और ऐसा नहीं है अपन एंटीबायोटिक मांग के ले ले उससे, हम एंटीबायोटिक मांग के ले ले और जो अमीबियासिस की दवा ले लिया या 7 डेज के लिए कुछ और किडनी की दवा लेके खा लिया, कोई और लिवर की दवा लेके खा लिया, वो नहीं खा सकते ना हम। रेस्पॉन्ड कीजिए जो भी लाइफ में है ना, वो नहीं खा सकते। फिर जब आपको वाकई में किडनी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को आपने दिखा लिया और डॉक्टर ने आपको दवा सजेस्ट कर लिया, फिर वो पर्ची मेडिकल शॉप वाले को देके वो दवा सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, वो टाइम टू टाइम जब आप लोगे तो वो दवा आपको असर करेगा। फिर यार पता नहीं वीकनेस लग रही है, कुछ ना कुछ लेके आएंगे बोल के किसी भी किडनी वाले के पर्ची लेके जाके आप वो लेके आओगे, मीन्स किसी दोस्त ने कुछ क्रिस्टल लेके आया, वाओ यार ये जब से क्रिस्टल यूज करी इसको है ना बहुत फायदा हो रहा है, तो मैं भी यही चीज मंगवाऊंगी, मुझे भी यही की यही चीज चाहिए, तो किडनी वाले पेशेंट के दवा की पर्ची आप लेके आप भी वही मंगवा के खा लिए तो कैसा है, ये भी वैसी है। क्रिस्टल्स आर इक्वल टू मेडिसिंस, क्रिस्टल्स आर 100% इक्वल टू मेडिसिंस और क्रिस्टल्स आर मोर देन ए मेडिसिन। ये कैसा है मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ।
क्योंकि क्रिस्टल की फायदा के बारे में आपको गूगल में इधर उधर मिल जाती है, मगर जो इन्फॉर्मेशन में अभी जो बता रहे हैं वो गूगल में किसी भी उस पे नहीं मिलेगी। ओके सो ये क्या हो रही है, हमारे अंदर बहुत सारी परेशानी है, मीन्स लाइक एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम्स है और पास्ट के कर्मास है, और वो कर्मा में भी कुछ क्वार्ट्स है, कुछ एक एक चक्रा के अंदर नेगेटिविटी है, कुछ लेयर्स के अंदर है, फिर वो लेयर के अंदर हमारा कुछ कुछ चीजें हम फिजिकली अटैक हो रही है, फिजिकली परेशान कर रही है, कुछ एस्ट्रली परेशान हो रही है, मीन्स साइकोलॉजिकली परेशान कर रही है, कुछ हम तो सही है, हमारा अंदर की नेगेटिविटी सामने वाले को हमारे ऊपर अच्छा फीलिंग नहीं दे रहे है। वो सामने वाला हमारे को कोस रहे है। और कहीं और कुछ कुछ पार्ट्स ऐसा है, इच्छा तो होती है, मौका तो आती है, मगर काम कामयाब करने नहीं देती है कार्मिक प्रॉब्लम की वजह, है ना। और किसी किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सामने वाला बिल्कुल अच्छा आदमी है, सोसाइटी में जाता तो बिल्कुल बढ़िया आदमी है, मगर हमारे साथ वो अच्छा नहीं है, ये क्या चक्कर है समझ में नहीं आती है। सो ये हम जब चेक करते हैं क्या क्रिस्टल सूट होएगा, फिर क्रिस्टल को पहले हमको ये जानना चाहिए क्रिस्टल को किस पर्पस से हमको यूज करना है, मीन्स आपके अंदर नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हो या पॉजिटिविटी फिल करने के लिए यूज कर रहे हो या क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हो या हीलिंग के लिए यूज कर रहे हो या प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो। क्रिस्टल को हीलिंग के लिए यूज कर रहे हो या क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हो या प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, और ये क्लीनिंग प्रोसेस सोल की पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस की वजह वो जो साइकोलॉजिकली अभी परेशान हो रही है उसको क्लीन करने के लिए यूज कर रही हो, या एंसेस्टर की तरफ से डीएनए से जो आया है वो बात क्लीन करने के लिए यूज कर रही हो। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कितने सवाल करते हैं, कितने इन्वेस्टिगेशन करता है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करता है, तो हम क्रिस्टल देने के पहले ही इतना ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा फिर हमको मालूम है हर क्रिस्टल के अंदर कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन है, और हर क्रिस्टल के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे काम करती है, और ह्यूमन बॉडी में फिर वो केमिकल कम होने की वजह इसको क्या बीमारी आती है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। आप मेरे 7 चक्र की क्लास में सुने होंगे ना, जैसे कॉपर की कमी है, अनाहत चक्रा के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, ओके, और जैसे जैसे कैल्शियम की कमी है, फिर ये मणिपुरा चक्रा की प्रॉब्लम है, ओके, फिर सोडियम और पोटेशियम है विशुद्धि चक्रा में कैसे आते हैं, फिर ये कैसे साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव करता है, माइका की कमी है फिर नास्तिक बनता है, फिर ये कैसे 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 मिनरल्स की खेल है, और सारे 7 ग्लैंड्स जो हैं वो 7 ग्लैंड्स साइंस में 7 ग्लैंड्स बोला गया है, स्पिरिचुअलिटी में 7 चक्रास बोला गया है। ये पहले बाहर की जो 7 लेयर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर ये नेगेटिव बीइंग्स आके फिर हमारा और आपको पंचर करके 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 उस चक्रा के अंदर एंटर होते हैं, उस चक्रा के अंदर एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद फिर हमारा एनर्जी मीन्स जो चक्रा जो एनर्जी साइकिल है उसको खराब करते हैं, उसको खराब करना फर्स्ट 90 डेज के पहले बाहर रहती है, फिर हम वो सोच को नहीं छोड़ा या परेशानी को नहीं छोड़ रहे, और उस दुख से या दर्द से उस प्रॉब्लम से हम साइकोलॉजिकली उसको छोड़ नहीं रहे, फिर वो धीरे धीरे वो हमारा ऑरा के अंदर एंटर होती है, फिर वो 60 डेज लगती है बाहर आउटर ऑरा से इनर ऑरा के अंदर ट्रैवल होने के लिए, फिर इसके बाद 30 डेज वो हमारा चक्रा के अंदर एनर्जी साइकिल के अंदर रहती है, फिर धीरे धीरे उस साइकिल को डैमेज करना शुरू करती है, उस सोच की वजह हम जो भी नेगेटिविटी को बुलाया वो एनर्जी साइकिल को, फिर तब हमको कैसे लगती है, अरे यार मैं पहले एनर्जी अच्छी थी, पता नहीं 1 महीने से 2 महीने से सुस्त सुस्त सा लग रही है, खा रहे हैं मगर फिर भी एनर्जी नहीं हो रहे, मीन्स बॉडी में दर्द आ रही है, पेन्स आ रही है, कहीं भी उठ रहे बैठ रहे तो मोच आ रही है और गर्दन पकड़ रही है, और है ना थोड़ी सी देर में थकान लग रही है,
पहले जैसी 6 घंटे सो के उठता तो उठ नहीं पा रही हूँ, इस टाइप की छोटे 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 फिजिकल बॉडी में वो एनर्जी कम होता, पहले जैसे ही उसी घर पे रह रहे वही खाना खा रहे मगर बीमार पड़ना शुरू हो जाते हो, ओनली बिकॉज एक डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आया है। जी इतना बड़ा लाइफ में एक बार एक डिस्टर्बेंस आ गया तो उसकी वजह आपने पूरी लाइफ में एक बीमारी को अपना लिया। कभी शरणली चोर आ गया, ये कोई 1-2 ग्राम का कोई चीज, 10 ग्राम की कोई चीज लेके गया, फिर वो बात आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ये मेन लेडीज, ये छोड़ती नहीं है बात। और फिर पूरी बचपन से कितनी बार चोर आया और इसकी जितने जानकार थी कि कहाँ कहाँ चोरी हुआ, फिर इसके जितने भी नॉलेज में पुलिस लोग हैं, इसके रिश्तेदार में क्या क्या हुआ, वो सारे बातें बेटे 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 सोच के सोच के सोच के सोच के इनकी पूरा मणिपुरा चक्रा के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी को और अट्रैक्ट करने की जो सेल्स है वो सारे सेल्स को खुद डैमेज करके मार के फिर डायबिटिक होके बैठ जाएगी। इतनी बड़े 100 साल की जिंदगी में कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो कुछ ना कुछ तो हो गई, होने तो, अब जो गया तो जाने तो। एक बार कार के एक्सीडेंट होता उस एक्सीडेंट को ऐसे दिमाग में लगा के ये ऐसे कर देते हैं, अपना स्पाइन में इसको बिठा लेता है और कमर में दर्द कर देते हैं इंसान। आप कभी भी किसी को कमर में दर्द है बोलते ना तो आप इसकी पास्ट सुन लीजिए, ये कभी ना कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ, फिर ये बच गया, छोटे मोटे चोट से बाहर निकल गए, फिर ये आदमी उस एक्सीडेंट को दिमाग में बिठा लेता है, फिर ये आदमी कमर के दर्द से और स्लिप डिस्क से बैठ जाता है। ये सोचता है जब एक्सीडेंट हो गए ना तब कोई झटका लग गए इसकी वजह मेरा कमर में चोट है, सोचता है नहीं, ये सोच की वजह इसके कमर को बिठा लिया। ओके क्लियर कॉन्सेप्ट? सो 100 साल की जिंदगी में कुछ तो होता है, होने तो कभी एक बार बीमार पड़ गए, अरे मुझे इन्फेक्शन कैसा हो गया, मैं बर्तन साफ करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और मैंने वो कर दिया, मैंने कॉस्टली वाला विम साबुन यूज कर लिया, मैंने गर्म पानी से धो लिया, मुझे इन्फेक्शन आ गया। अब वो इन्फेक्शन को इतना नहीं छोड़ेंगे, पूरे इन्फेक्शन को इतना और अपना लेंगे, दवा से भी वो मिटेगी नहीं, इतना इन्फेक्शन को अपना लेंगे। ओके सो इतना कहानी मत करना। ओके अच्छी चीज को अपना लो ना, अपनी अच्छी बात को अपना लो, अच्छी चीज को अपना लो, खुशी की बातें याद कर करके अकेले बैठ कर खुश हो जाओ, है ना, और लोगों से ऐसे खुशी की बात आप डिस्कशन कर लो। ओके हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो गया भाई। हाँ क्या बोल रही थी, या क्रिस्टल्स। सो ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, फिर हमको कौन सी क्रिस्टल यूज करना है, चक्रास के अंदर, फिर ये एनर्जी बॉडी के अंदर, फिर चक्रा साइकिल को डैमेज करके इसके बाद फिर वो फिजिकल बॉडी में ग्लैंड के ऊपर अटैक करती हैं, फिर आपकी ग्लैंड कितनी बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करना है, जो जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करना है वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके ये प्रोड्यूस कर नहीं पाती, वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो ब्लॉक होते ही बॉडी के अंदर जो साइकिल है वो जैसा काम करना है वो कर नहीं पाती है, फिर आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर ये मेनली क्या होता है, या तो मूलाधार चक्र के अंदर प्रॉब्लम्स, आपने 7 चक्र क्लास में पूरा लिस्ट दे दिया, और स्वादिष्टान चक्र चक्र है, यूट्रस है, और गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, और यूरेथ्रा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी ट्रैक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फिर मणिपुरा चक्र में चले गए, फाइनेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और डायबिटिक है, किडनी है, और लिवर है, और इंटेस्टाइन्स है, है ना, फिर ऐसे ऐसे पार्ट्स पे फिर वो प्रॉब्लम, हार्ट है, हार्ट पंपिंग, बीपी, और कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गया, और विशुद्धि है, इस पे सोडियम और पोटेशियम की प्रॉब्लम है, थायराइड है, टॉन्सिल्स है, ओकल कार्ड्स है, फिर उस पे आपने प्रॉब्लम लेके आके बिठा लिया, फिर उसको डैमेज कर लिया। फिर हम जब क्रिस्टल को सजेस्ट करते हैं, या क्रिस्टल को आप खुद भी जब लेते हो, थायराइड वाले हो कि कोई भी हो, डायबिटिक वाले हो, आपको क्रिस्टल ले रहे हो, तो अपने आप को एक बार चेक करना, ये प्रॉब्लम अपने आप आया है या आपने कुछ परेशानी को बुलाया तो आया है। एक बहुत नाजुक बात और समझाती हूँ, बीमारी 2 तरीके की होती है, प्रॉब्लम 2 तरीके की होती है, एक सोल को एक्सपीरियंस नहीं है,
इसकी वजह वो खुद अपने आप को खराब करती हैं। दूसरा, आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप बिल्कुल साफ सुथरे इंसान हो। डीएनए के अंदर पूर्वजों ने जो कर लिया वो जीन्स आपके अंदर आए हैं, इसलिए अब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इसका और क्लैरिटी देती हूं, और थोड़े से क्लैरिटी और देती हूँ, सुनिए। आपने कभी भी कोई जैसे एक छोटी सी दही के ऊपर हम जाएंगे, जैसे समर है, समर के अंदर हम चाश पीते हैं और दही खाते हैं, ये कॉमन सी बात है। उसकी वजह किसी को जुकाम नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं आती है, कोई एलर्जी नहीं होती है और आस्थमा नहीं आती है, नॉर्मल बात है, ओके। सर्दी में आप फुल ठंड में जब 0 डिग्रीज, माइनस डिग्रीज और 1-2 डिग्रीज में, जब अपन की दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस महीनों में आप दही खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये नॉर्मल बात है, ओके, ये नॉर्मल बात है। इधर जब सोल को अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये एक्सपीरियंस नहीं है, क्या खाए तो किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, क्या खाने से हमारा तबीयत खराब होती है, हमारा हालत खराब होती है, इसको समझ में नहीं आके फिर ये सर्दी में दही खा के अपना तबीयत को खराब कर लिया। हम बोलते ना, अरे यार तुम पागल है कि इस टाइम पे ये चीज कोई खाता है क्या, ये इस मौसम में खाने की चीज है क्या, तुमने ये कैसे खा के अपने आप को ऐसा खराब कर लिया। इसी बात तुम्हारे को समझ में नहीं आया कि कोई करता ही नहीं, तुमने कैसे कर लिया ऐसा। हम सामने वाले को कोई गलत काम करते, ये सवाल हम कॉमनली करते हैं। इसका मतलब सोल को एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। सो ये सोल ने जानबूझ के परेशानी को लेके आके अनसमझ की वजह अपनी फिजिकल बॉडी को खुद खराब कर ली। जैसे लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं और कई तरीके के बैड हैबिट्स से लोगों के पास, स्मोकिंग है या बबल गम बहुत खाते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं, रात को जरूर बड़े बड़े भी चॉकलेट खा के सोते हैं, इस पे मैं भी एक हूं, ओके। सो गलत टाइम पे फ्रूट्स खाते हैं, गलत टाइम पे कुछ और करते हैं, फिर अपने आप को बीमार कर लेते हैं। और ऐसा ही फाइनेंशियल भी, क्या करना क्या नहीं करना समझ में आके कुछ भी गलत काम करके फिर वो कर देते हैं, ओके। फिर हम जब सोल को एक्सपीरियंस नहीं होके ये गलत काम करके अपने आप को डुबो रहे, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन सोल को मिले जैसा हम इनका पूर्णात्मा से कनेक्ट करना, हायर डायमेंशन की जो भी क्रिस्टल्स है फिर वो पहना के इनकी हायर डायमेंशन से ये इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और कम से कम इस धरती के ऊपर अपना बॉडी को या अपनी फैमिली को या अपनी डेली रूटीन को कैसा मेंटेन करना है वो नॉलेज मिले जैसा क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करके उस डायमेंशन से इसको इंफॉर्मेशन मिले जैसा क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। माला है, ब्रासलेट है और व्हाट यू कॉल पीने के पानी में है और इस पे भी स्पेशल वैरायटी जो शांगाइट है, ऐसा कई चीजें हम करते हैं, ओके। फिर आप समर में, दोपहर में, नॉर्मली गर्मी में भी आप दही खाए या चाच पिया, आपकी तबीयत खराब हो गया। इसका मतलब आपकी बॉडी को अंदर वो सूट नहीं हो रही है ना। ये किसका गलती है, ये एंसेस्टर्स की गलती है, आपकी गलती नहीं है। जो राइट टाइम, उस टाइम पे असल में अपन को चाच पीना चाहिए गर्मी में, जब 40 डिग्री 50 डिग्री हो रही है तो आपको बॉडी को मेंटेन करने का आपको पीना चाहिए। उस टाइम पे आप पीने के बाद भी आपकी बॉडी को सूट नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके एंसेस्टर्स ने चंद्रमा के रिलेटेड कुछ ना कुछ गलत काम कर लिया, फिर वो चीज की रिलेटेड सेल्स ब्लॉक हो गई, वो चीज आप खाते ही आपको परेशानी आ रही है। फिर इधर हम क्या करते हैं, डीएनए की क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, फिर डीएनए की क्लीनिंग प्रोसेस के रिलेटेड क्रिस्टल यूज करते हैं। और कितनी पीढ़ी पहले ये ऐसे बात हो गई, फिर वो कौन सी मदर साइड या फादर साइड किस तरह से फिर वो एनर्जी ब्लॉक हो गई, और वो जो एनर्जी ब्लॉक हो गई वो किस चक्रा के अंदर या किस सेल से वो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हैं, वो हम चेक करके वो सेल्स ओपन होए जैसा हम क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करके डीएनए के ऊपर, हमारा कई लोगों को मैं देती हूँ डीएनए के ऊपर क्रिस्टल रखना या उनकी फोटो के ऊपर क्रिस्टल रखना,
ऐसा चीज हम करते हैं. ओके अब आपको समझ में आ गया ना कि एंसेस्टर्स की गलती की क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, सोल की एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह गलती कर रहे हैं, हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन देते हैं. फिर ऐसा हम क्रिस्टल को सेलेक्ट करना चाहिए. अब लोग क्या करते हैं, जैसे फाइनेंस प्रॉब्लम, जैसे 2 2s are 4, ये जो बात है ये क्यों 4 है मालूम नहीं है, बस ये 4 है तो 4 है. ऐसा एक आजकल लोगों ने एक रट लगा लिया. मणिपुरा चक्रा है, 3 दिन में वास्तु की कोर्स हो जाती है, 4-5 दिन में क्या इतना बड़ा ज्योतिष की कोर्स 5 दिन में हो जाती है, पूरे टैरेटो की कोर्स 1 घंटे में, 1 घंटे में टैरेटो की कोर्स आ जाएगी और 2.5 घंटे में पूरे क्रिस्टल की कोर्स आ जाएगी, पूरे क्रिस्टल की कोर्स आ जाएगी. फिर उसमें क्या क्या रट लगाते हैं, विशुद्धि चक्र ब्लू कलर में है, ब्लू कलर के जो भी क्रिस्टल है वो इसको उसको दे दो, सजेस्ट कर दो. मणिपुरा चक्र येलो कलर में है, सिट्रिन है फाइनेंस की, इसको सिट्रिन दे दो. ये इसकी स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज है, इसको कॉर्नेलियन दे दो. बस ये है. अरे स्वादिष्टान चक्र के लिए 70 क्रिस्टल है, 70 तरीके के क्रिस्टल, एक एक चक्र के लिए कम से कम 10-15 वेराइटी की क्रिस्टल है. हर एक बात की, एक एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम की, ये डीएनए में है या सोल में है, उसकी रिलेटेड क्रिस्टल चेंज हो जाती है. और क्रिस्टल गले में डालना है, पानी में डाल के पीना है, ये क्या करना है, उसकी पूरा रूप और स्वरूप चेंज हो जाते हैं. आप सिस्टर सिस्टर हो, मीन्स भाई बहन हो, या बहन बहन हो, या मदर एंड डॉटर हो, इसका मतलब ये रूल नहीं है कि आपको दोनों की एक जैसी प्रॉब्लम है तभी वो एक ही क्रिस्टल आपके काम में आएगा. ओके सो ये पार्ट, ये मेन पार्ट है, क्रिस्टल यूज करते वक्त एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए. आप कहीं से भी क्रिस्टल ले लीजिए, जो क्रिस्टल आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको 2-3 सवाल तो बनती हैं. हम डॉक्टर के पास जाके कुछ भी नहीं करके काले रिपोर्ट करके चुपचाप थोड़ी बैठते हैं, हम डॉक्टर को 2 सवाल करते हैं, सर मेरे साथ क्या होएगा, अब मुझे क्या एहतियात रखना चाहिए, और मुझे ये बीमारी आया क्यों है, क्यों है, क्यों आया है, और ये जाएगा कैसा है, आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, ना तो हम पूछते हैं ना, और कितनी महीने हमको ये करना पड़ती है, ये क्या है. तो अपने आप के लिए भी जब आप क्रिस्टल यूज कर रहे हो ऐसा थोड़ा बहुत तो समझने लग जाइए. ओके एंड दूसरा, क्रिस्टल के अंदर है क्या चीजें जो हमारे बॉडी के ऊपर ये काम कर रही है. हम दवा है तो खा रहे पी रहे, क्रिस्टल के अंदर है क्या चीजें. जब मीन्स मैंने बहुत सारे क्लासों में बोला था तो फिर भी न्यू कमर्स के लिए एक 5 मिनट में मैं इस टॉपिक को खत्म करती हूँ. जब हमारा फर्स्ट ये पूरा पृथ्वी, जैसे ये धरती कैसा आया है, ज्वालामुखी से आए हैं. ओके ज्वालामुखी जब फटी है इसके अंदर से लावा आई है, लावा के अंदर से ही जो भी हमारे को केमिकल्स आई हैं या मिनरल्स केमिकल्स आई हैं ज्वालामुखी के साथ साथ में, सोडियम पोटेशियम अल्यूमिनियम टिटेरियम ऑक्साइड टिटेरियम ऑक्साइड बेरिलियम बोरॉन फॉस्फोरस ऐसा कई चीजें जब आई हैं, फिर एक तो सिंगल सिंगल आते हैं और कई बार कॉम्बिनेशंस मिलके आते हैं, और ये कॉम्बिनेशंस जो मिलके आई हैं वो एक जगह जब पत्थर बन गई वो ही क्रिस्टल है और वो ही जेमस्टोन है, वो ही लोहा है, आयरन गोल्ड अल्यूमिनियम व्हाट यू कॉल कॉपर और तांबा और प्लैटिनम और जितने भी मेटल्स आपको धरती में से आया है वो सारे उसी को भी मिनरल्स बोलते हैं. वो सारे वोल्केनो के बाद ही आया है. जहां वोल्केनो आई है वहां की एटमॉस्फेयर कैसी है और वो वोल्केनो जब आई है वो वोल्केनो का अंदर क्वालिटी कैसा है, और उस टाइम पे थंडरस्टॉर्म्स आई है या टेरेटोस मीन्स तेज स्पीड गोल गोल घूमती है ना विंड टेरेटोस आई है, या वो पानी के अंदर समुन्द्र के अंदर नमक के समुन्द्र के अंदर वो वोल्केनो उतरी है, या काले मिट्टी के अंदर उतरी है, ये किसके साथ वो ट्रैवल किया है, वो सारे चीजें इसके अंदर बेस्ड होके फिर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होती है. और आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर जो मैं सेल्स की बात करती हूँ वो सेल्स के जो एटम्स के अंदर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हर क्रिस्टल की अपनी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. आप गूगल खोल के देखोगे क्रिस्टल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये डालोगे तो एवरी इतनी सी भी एक
किसी भी एक स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो क्रिस्टल अपना फॉर्मेशन बदल जाती है. क्रिस्टल इज ओनली केमिकल फॉर्मेशन. हमारे डीएनए कैसी केमिकल फॉर्मेशन है, क्रिस्टल भी वैसा ही केमिकल फॉर्मेशन है. और ये नेचुरली जमीन के अंदर से कुदरती की ओर हमको मिला हुआ मिनरल है. आप जितने भी टैबलेट्स यूज कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उसके पीछे जो भी सॉल्ट्स है, मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे हार्ट पेशेंट है सिलिकॉन ऑक्साइड की दवा यूज करते हैं, और जैसे थायराइड वाला फॉस्फरस की यूज, सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम की यूज करते हैं, है ना. ऐसा ही सेम टू सेम आप कोई भी दवा खा रहे हो, इसके पीछे सॉल्ट पड़ो, फिर गूगल में आप उसकी केमिकल के लिए देखना और सेम उस केमिकल कॉम्बिनेशन की क्रिस्टल क्या है गूगल को सवाल करो, आपको उस टाइप की क्रिस्टल वो गूगल दिखाएगा. चलो श्री, तो श्री का नाम भूल जाना, आपके हाथ में गूगल है तो मैं रास्ता भी तो बता रही हूँ ना आपको, है ना. कोई भी कहते हैं कि आप ये पहन लीजिए आपके ये काम हो जाएगा, आप ये पहन लीजिए आपके काम हो जाएगा. कैसा होता है पहले देने वाले को मालूम चलना चाहिए. जिसको मालूम ही नहीं है वो बस चार वीडियो देखे, एक वीडियो बना ले, चार क्लासेस अटेंड करे, फिर वो ज्योतिष बन जाए, ऐसा नहीं होता है. ओके और ये डेंजरस और है, ऐसे अपन किसी भी डॉक्टर चार यूट्यूब की वीडियोस देख के फिर वो आ जाओ सर्जरी करता हूँ बोले तो उसके पास जाएंगे कि हम, ये कैसे डेंजर है, ये भी वैसे ही डेंजर है. ओके सो ऐसा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उनके अंदर. ओके एंड और एक बार प्लीज ये नोटिस करना, जब जो भी हो, मीन्स अभी ये क्लास आज सुन रहे हो, 100 साल के बाद हम कहाँ है, 50 साल के बाद आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ, ये बात मालूम नहीं, मगर मैं जो बता रही हूँ वो ज्ञान तो आपके पास रहेगा. किसी से भी आप क्रिस्टल ले रहे हो, अपनी नॉलेज से ले रहे हो अलग बात है, सामने वाले जो सजेस्ट करते हैं वो क्रिस्टल आप ले रहे हो तो सामने वाले को क्या मालूम है, ये जरूर टेस्ट करके लेना है. जब सामने वाले या जमोलॉजिस्ट भी नहीं है या अच्छा हीलर क्रिस्टल की एनर्जी को वो महसूस नहीं कर सकता है, तो फिर वो काले रंग देख के, जैसे हमारा दुख सुन के रंग देख के दे रहे हैं, तो वो चीज यूज नहीं करना है. ओके अब मैं कितनी एलोबरेटली क्रिस्टल को कैसे यूज करना कितने हम बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर कैसा बताते हैं ये ट्रीटमेंट है, इसके बाद ये है, इसके दवाई हो यूज करना, फिर इससे ना दर्द कम होएगा, इसके बाद ना सेल्स डैमेज हो है वो सही होएगा, फिर वही ये पूरा रास्ता है इसका. ऐसा नहीं अपन सिर में दर्द हो रहे तो आगना चक्रा की यूज करो, गले में दर्द हो रहे तो विशुद्धि चक्रा की यूज करो, ये नहीं होता. कई लोगों को स्वादिष्टान चक्रा और टंग, विशुद्धि चक्र करेक्ट नहीं होती, खाली टंग करेक्ट होके रहती है. स्वादिष्टाना से टंग करेक्ट होता है. स्वादिष्टाना की वो सेंस है टेस्ट करना, टेस्ट करना. तो आपको जबान में बार बार गर्मी की छालियां आ रही है और आपकी टंग टेस्ट नहीं पकड़ रही है, और आपको टॉन्सिल्स की भी प्रॉब्लम आ रही है, और मुंह पे बार बार छालियां हो रही है, और आपको खाने के लिए खाना नहीं मिल रही है घर पे बनने के बाद, जब भी आप खाने के लिए बैठते हो कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, और आप जैसे घर से बाहर हो फिर आपके खाना सही नहीं, टाइम टू टाइम खा नहीं पा रहे हो, कुछ ना कुछ फूड की रिलेटेड परेशानी होता, तो विशुद्धि चक्र को सही नहीं करते हैं हम, स्वादिष्टान चक्र को सही करते हैं. स्वादिष्टाना, स्वाद को आप अधिष्ठान करना है, हर चीज को मजा चखना है, खाने की हर चीज के आप टेस्ट देखना है, तो आपको स्वादिष्टान चक्रा को सही करना है. हम मुंह से खा रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विशुद्धि चक्रा को सही करते हैं. ओके तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, टेक्निक्स हैं. ओके एंड सो जितने भी हम मेटल्स यूज कर रहे हैं, गोल्ड यूज कर रहे हैं, और ये बाल्टी बकेट जो भी अपन वो मेटल की यूज कर रहे हैं, स्टील ग्लासेस यूज कर रहे हैं, ये सब जमीन से कैसे आए हैं, ये सारे क्रिस्टल्स भी वैसा ही हमको कुदरती की ओर आए हैं. ओके और जेमस्टोन्स के अंदर और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर, मीन्स प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस, रत्न और उपरत्न के अंदर फर्क क्या है. ओके ये और थोड़ा समझने की बात है. जो डॉक्टर सजेस्ट करता है और बिल्कुल कोर्स की तरफ यूज करते हैं और हाई पावर की एंटीबायोटिक्स है, ओनली अंडर डॉक्टर
पर्ची के हैं तो ही मेडिकल शॉप वाला देता है, वो है प्रीशियस स्टोन्स जो नवरत्न है, रूबी, एमराल्ड, डायमंड, ब्लू सफायर, येलो सफायर और कैट्स आई और राहु की जो गोमेट, ये सारी चीजें वो प्रीशियस स्टोन्स है। पहनते ही 2-3 दिन में उसकी असर इतना खतरनाक होती है, और जब हम जो सूट नहीं होता है वो पहने तो जरूर नुकसान 100% होता है, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज ये हाई केमिकल है, हाई पावर ऑफ केमिकल रहती है इसके अंदर, जो इंसान को जिस पार्ट पे कमी है उसी चीज को हम यूज करके उसको एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे, इसलिए वो 2 कैरेट 3 कैरेट 4 कैरेट, ऐसा नहीं है पूरा माला पहनो, और ऐसा नहीं है आधा केजी स्टोन को हाथ में पकड़ के मेडिटेशन करो, वो नहीं करता। इतना सा जम स्टोन बहुत कुछ कर देती है लाइफ में। और ये केमिकल्स आपको और एक होमवर्क और बता रही हूँ, लिख दीजिए। और क्रिस्टल की जैसे रूबी है, ओके, रू जैसे येल्लो सफेर ले लीजिए, येल्लो सफेर के अंदर मीन्स कनक पुष्य राग जो गुरु ग्रह के लिए यूज करते हैं हम, आज ये उमा लकोटिया जी भी पहन रही है येल्लो सफेर, है ना, पुखराज, वही पुखराज, ओके, जो पुखराज पहन रहे हैं उसके अंदर फॉस्फरस और आयरन, आयरन की 2 डिग्रीज हीटेड 2 आयोन्स रहती है, ओके। सो आप गुरु ग्रह जो है उस ग्रह के अंदर कौन सी मिनरल रहती है वो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, जिस ग्रह के लिए आप जो भी क्रिस्टल यूज कर रहे हो उसके अंदर जो मिनरल है, मैंने ये 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था कि बहुत सारे लोगों की कुंडली लेके, जिस इंसान को मणिपुरा चक्रा में प्रॉब्लम है उसकी कुंडली में वही गुरु ग्रह का प्रॉब्लम है, उस इंसान को हेल्थ में भी इनडाइजेशन हो या फाइनेंस हो या किडनी की रिलेटेड हो या लिवर के रिलेटेड हो या डायबिटिक हो, इधर ही प्रॉब्लम रहती है। और पंडित जी जब सजेस्ट करेगा वो येलो सफेद पुखराज सजेस्ट करेगा, हम सजेस्ट करते हैं तो सिट्रिन सजेस्ट करते हैं, और पंडित जी जब पूजा पाठ बताते हैं तो चने, वो नॉर्मल चने होते ना, उसको दान करने के लिए बोलते हैं, हम सजेस्ट करते हैं वो चने को रात को भिगो के डेली कम से कम 16 पीस को खाने के लिए बोलते हैं, उस हर नवग्रह के लिए जो भी चीज हम दान दे रहे हैं उसके अंदर भी वो ही मिनरल कॉम्पोजिशन रहती है, ग्रह के अंदर भी वही मिनरल कॉम्पोजिशन है, सेमी प्रीशियस स्टोन के अंदर भी वही मिनरल कॉम्पोजिशन है, और प्रीशियस में भी इससे हाई लेवल की मिनरल कॉम्पोजिशन है, और इस इंसान के आप ब्लड टेस्ट और सारे टेस्ट करवाओगे तो डॉक्टर भी इसी मिनरल की कमी है बोलेगा। ये एक ही लेवल पे जाता है, इंसान इस चक्र में से कहीं बाहर नहीं आ पाएगा, और किसी हीलर को भी दिखाओगे ये गुरु ग्रह के रिलेटेड कोई ना कोई पास्ट कर्मा है इसके अंदर, इसकी वजह ये नॉर्मली अपने आप यूनिवर्स से जो गुरु ग्रह से जो एनर्जी आ रही है या फॉस्फरस के रिलेटेड जो भी एनर्जी आ रही है यूनिवर्स से अपने आप, वो इसकी सेल्स एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऊपर से देना नहीं, मैं इसमें क्या करने की वजह, ये यूनिवर्स से इतनी सी ये मिनरल को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो देख के वो सेल के अंदर से वो रूट कॉज निकाल के फिर वो सेल अपने आप वो एनर्जी ले है, जैसा मैं सजेस्ट करती हूँ। नॉर्मली किसी को सिंपल बता रही हूँ, किसी को बाल में डैंड्रफ है तो क्या करेगा, डैंड्रफ की शैम्पू लेके आके 100 तरीका की वो यूज करने लगता है, मगर नहीं, इसकी आंतों में मीन्स इंटेस्टाइन्स में क्लीन नहीं है तो इसके बाल में डैंड्रफ आती है, तो मैं इंटेस्टाइन को क्लीन करवाती हूँ। तो ये सोचता है, अरे यार बाल पे तो पेट में क्यों सफाई करवा रहे, ये सोचता है, मगर रूट कॉज कहाँ है वो क्लीन कर रहे हो ना बंदे को, तो ऊपर की कितनी बार शैम्पू करोगे, ऊपर को क्या करोगे, इतनी खतरनाक केमिकल आप यूज करके फिर शैम्पू करोगे, ये बाल सफेद हो जाएंगे या गंजे हो जाओगे, फिर बाल ही नहीं रहेगी, है ना। ये रूट कॉज पे जाओ आप कहीं भी हो, और वो रूट कॉज में फिर एंसेस्टर्स क्या आया,
या उसकी आया या सोल की आया, फिर ये फिर अगेन फिर वहां भी फिर ये अप्लीकेबल है। कोई भी आप काम कर रही हो, ये मैं नहीं हूं, मैं बनने के लिए दो चीज मिलके मैं बनी हूं, एक सोल और एक फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी के अंदर ये सोल है, फिर ये सोल अपना काम करना चाहती है इस धरती को ऊपर और हायर पे जाना चाहती है, ये फिजिकल बॉडी इसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, ये फिजिकल बॉडी इसको क्यों मिली है, इसने प्रॉमिस करके आया, इसकी पूर्व की कर्मों को मैं क्लीन करती हूँ। ओके, सोल नहीं है ये फिजिकल बॉडी, 24 आवर्स के बाद कोई काम का नहीं है। फिर ये फिजिकल बॉडी है, सोल नहीं है, तो फिजिकल बॉडी काम का नहीं है, सोल को फिजिकल बॉडी चाहिए। ओके, ये दोनों कॉम्बिनेशन में हूं तो कोई भी प्रॉब्लम आता है। अभी आप बच्चा पढ़ने रहा, स्कूल का प्रॉब्लम है, मिस का प्रॉब्लम है, बच्चे का प्रॉब्लम है, ये तो देखोगे ना। एक कोई भी चीज सही नहीं है तो जैसे सास और बहू का भी लड़ाई हो गई, सास में गलती है, बहू के अंदर गलती है, ये भी तो देखोगे ना, सिचुएशन की गलती क्या है, अपन दो तरीके से देखते हैं ना। सो इसको कोई भी परेशानी आया, इसको दो तरीका से आप समझ के देख लीजिए, थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस, इधर ही तो हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यूज होती है। ओके, ये देख के आप अपने काम करना शुरू करना। ओके, सो क्रिस्टल इज वेरी वेरी पावरफुल वेपन। ओके, और कॉर्ड कटिंग के लिए क्रिस्टल ऐसा यूज होती है, तो जो इतना बहुत नेगेटिव कॉर्ड से जो कट नहीं हो पा रहे हैं और नॉर्मली हीलर भी नहीं कर पा रहा है, वो कुछ कुछ क्रिस्टल्स ऐसा है तो पढ़ देने से उसको कॉर्ड कटिंग कर सकती है क्रिस्टल। उसका एक्सेस इतना, एक तो ब्लैक ऑब्सीडियन है और ब्लड स्टोन है, ब्लैक ऑब्सीडियन है, ये ऐसे कॉर्ड कटिंग करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कटिंग करते हैं। ओके, जो कॉर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग है और कई, और ये छोटे छोटे थ्रेड्स होके भी, अभी आप मकड़ी की जाल देख लीजिए, इतना पतली पतली है मगर वो स्ट्रांग रहती है, मीन्स वो उसके लिए वो जाल बना के है, हमारे लिए तो नहीं है, मगर हमारे में अंदर भी ऐसी थ्रेड्स रहती है, हम खुद उस पे उलझे रहते हैं। ओके, कट करने वाले के लिए तो वो आसान है। ओके, सो ऐसा एंगल है। सो अभी आपको क्रिस्टल कैसे यूज करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गए। अब मैं क्रिस्टल्स के बारे में, तीन चार, ज्यादा नहीं, तीन चार क्रिस्टल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो द फर्स्ट क्रिस्टल इज वॉटर क्रिस्टल, मेन वॉटर क्रिस्टल के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो देखिए, आजकल बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में आके ऐसा बता रहे कि ब्लैक टूरमलिन को आप यूज कर लो, जैसे नेगेटिविटी है तो ब्लैक टूरमलिन यूज कर लो, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है कॉर्निलियन को यूज कर लो, जो रंग प्रॉब्लम है वो रंग का क्रिस्टल दे रहा है उसको पानी में डालो, चाहे कुछ भी बोल ले कोई, वहां वहां पंडित हो सकता है, गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, चेक कोई भी हो सकता है, मैं चैलेंज करती हूँ, चार क्रिस्टल और एक एक्सेप्शन है, एक शांगाइट है, इसके अलावा दूसरा क्रिस्टल पानी में डालने की नहीं है, नहीं है, नहीं है, नोट दिस। चाहे वो कोई भी दे दे, कोई मंत्र तंत्र पढ़ के भी दे दे, होम में निकाल के दे दे, या कहीं से आके महासाधु होने दो, ये साइंस के हिसाब से जो मैं कह रही हूँ, ये क्रिस्टल्स के अंदर टॉक्सिन्स रहती हैं, टॉक्सिक क्रिस्टल्स रहती हैं, फिर ये हर चीज पानी में डाल के नहीं पी सकते हैं। फोर वेराइटीज है, वो बहुत फायदा करते हैं, माँ कैसे है हमारे लिए, वो सात चार क्रिस्टल्स ऐसा है कि इतनी फायदा करती है। ओके, वो है एक रोज क्वार्ट्स, आपकी बहुत फेमिलियर क्रिस्टल्स है। ओके, एक तो ये है पिंक कलर में रोज क्वार्ट्स है, और एक तो ये वायलेट है एमेथिस्ट है, और ये व्हाइट है क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल है, और ये ग्रीन ग्रीन एवेंचुरन मरकस बोलते हैं। ये चार के अलावा दूसरा क्रिस्टल को पानी में नहीं डालना है, और गलती से भी आप कोई भी ब्लैक टूरमलिन को पानी में डाल के मत पीना। कई यूट्यूबर्स को मैं आजकल देखी हूँ कि नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है, आपके हस्बैंड को ब्लैक टूरमलिन डाल के पिला लीजिए, और ब्लैक टूरमलिन क्या होती है, एक छोटे छोटे चिप्स जैसी वो छोड़ती है, वो गलती से अंदर चले गए तो इतनी नुकसान करती है। ओके,
सो ज्यादा बोलना भी नहीं है, नो. एंड कॉर्नेलियन, मैंने आजकल किसी ने दिया था बोल रहे हैं, देखिए कोई मास्टर है मेडिटेशन में, कोई चीज पे कोई मास्टर है तो वो उस चीज पे मास्टर है. आप इससे क्रिस्टल ले रही हो तो क्रिस्टल पे मास्टर है वो, देखो ना. कोई आयुर्वेद डॉक्टर है, उसका आयुर्वेद दवा के साथ साथ क्रिस्टल भी रखेंगे तो ये भी सेल होएगा. फिर उसको आइडिया आ गया, फिर वो क्या कर रहा था, क्रिस्टल का भी माल मंगवा के रखने लग गया. फिर वो आयुर्वेद में मास्टर है तो क्रिस्टल में मास्टर नहीं है. थोड़ी सी सोच समझ के वो क्रिस्टल लीजिए. कॉर्नेलियन 98% कॉर्नेलियन हीटेड आती है. 80% कॉर्नेलियन जो ऑरेंज कलर हम स्वादिष्टान चक्र की यूज करते हैं वो हीटेड आती है. उसको पानी में डाल के बोल पियो बोल रहे, और मूनस्टोन दे रहे. कोई चंद्रमा अच्छा नहीं है, मूनस्टोन पानी में डाल के पी लो. ये कोई भी क्रिस्टल पानी में डाल के पीना नहीं है, नहीं है, नहीं है. ओके, ओनली फोर है. फिफ्थ वन इज शांगेट. ये चार क्रिस्टल्स मिलके 1 kg एक 4-5 लोगों की फैमिली के लिए हम डाल सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं. ओके, फिर शांगेट, और ये क्रिस्टल्स को लाइफ लॉन्ग हम यूज कर सकते हैं. मगर शांगेट जो है 8 साल से ज्यादा काम नहीं करती है. उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पावर रहती है. शांगेट की पानी के अंदर हम कॉपर रॉड्स डाल के वायर डाल के बल्ब लगाए तो बल्ब भी जलती है. उसके अंदर इतनी करंट होती है. ओके, और वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारा सेल्स जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खोलती है. शांगेट की पानी पीने से हमारे शैडो के अंदर भी कोई परेशानी है तो फिर वो तक भी खुलती है. इतनी डीप क्लीनिंग होती है. एवरी सेल के ऊपर काम करती है शांगाइट, SHANGAIT. और शांगाइट में भी 3 वेराइटीज है. पानी पीने की शांगाइट अलग है, और रेडिएशन की शांगाइट अलग है, और एलीट शांगाइट वो अलग है. इसमें ओनली एक ब्लैक कलर में आती है. वो शांगाइट ही हमको यूज करना है, लाइट शाइनिंग होती है. ओके, एलीट शांगाइट को यूज नहीं करना है. और जो आपको बाहर मिल रहे ना आजकल, जो व्हाट यू कॉल वाटर बॉटल्स जो 1500 rupees 2000 rupees पर लीटर वाटर, अल्कलाइन वाटर, और कई लोग ये पी रहे हैं क्रिकेटर्स वगैरह, 1 lakh rupees पर वाटर बॉटल, 50,000 rupees पर 1 liter वाटर, सुना आपने? तो आजकल वो ट्रेंड चल रही है. एक वाटर बॉटल 750 rupees से लेके 1 lakh तक, 1.25 lakh rupees तक भी है. ये यही क्रिस्टल्स हैं, ये यही क्रिस्टल्स डाल के फिर इसको अल्कलाइन करके इसका पीएच लेवल्स 9.5 तक और 9.5 तक लेके आके फिर इसको अल्कलाइन बना के देते हैं. और वाटर को अल्कलाइन बनाने के लिए यही या तो मेटल्स यूज होती हैं और या तो ये क्रिस्टल्स यूज होती हैं. ओके, सो इसका पीएच लेवल्स रेज होती है. सो ये शांगेट वो पीएच लेवल्स रेज होने के लिए और हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए यूज होती है. ये शांगेट 8 साल से ज्यादा काम नहीं करती है. 8 साल के बाद बस उस स्टोन को फेंकना ही हो. थोड़ी सी महंगा आती है, जैसे पर ग्राम 100 rupees ऐसा. मीन्स एक फैमिली को 1000 rupees का हम यूज करेंगे तो बहुत फायदा है. ओके, 1000 rupees का हम यूज कर सकते हैं, मगर वो 8 साल काम में आती है. ये जो बाकी रूबी रोज क्वार्ट्ज़ है, एमेथिस्ट है, वो लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो. क्रिस्टल का एक ही पंदा है, मेंटेनेंस. मीन्स टाइम टू टाइम इसको सॉल्ट वाटर में या हल्दी के पानी में इसको क्लीन करना, और सनलाइट पे रखना चार्ज करना, या मूनलाइट पे रखना इसको चार्ज करना, फिर इसको सेफ हैंडली अंदर रखना. ये मेन इंपॉर्टेंट है. ओके, ये आप करोगे कभी भी क्रिस्टल डेड नहीं होती है. 1000 साल भी क्रिस्टल एसी की एसी रहती है. आप जब भी क्रिस्टल को यूज नहीं कर रहे हो, जैसे माला है, अंगूठी है, कुछ भी चीज आप यूज नहीं कर रहे हो, इसको क्लीनिंग प्रोसेस करके एनर्जाइज करके एक पेपर के अंदर, जैसे जिप लॉक कवर के अंदर रख के और एयर टाइट के कंटेनर पे रख लीजिए. 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आपको चाहिए दोबारा उसको निकाल के आप यूज कर सकते हो, वो कहीं भी नहीं जाएगी. फिर आप इसको निकाल के जैसे बाहर फेंक दिया, बाहर छोड़ दिया, जैसे शेल्फ में, अलमारी में, कहीं भी, फिर वो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी आप यूज करना चाहते हो, वो यूज नहीं होते, वो डेड हो जाती है क्रिस्टल.
क्रिस्टल की एक परेशानी है, क्रिस्टल को ये मालूम नहीं है कि मेरा ओनर श्री है, श्री ने मुझे खरीदा, इसकी वजह मैं श्री का ही नेगेटिविटी लूं, ये बगल में जो खड़ा है उसकी नेगेटिविटी नहीं लूं, वो ये बात मालूम नहीं है। ओके, क्रिस्टल हैव कॉन्शियसनेस, मींस हायर से एनर्जी लेने की कॉन्शियसनेस है। फिर इनकी ऑरा में जो भी इंसान है उसका नेगेटिविटी बाहर निकाल के एब्जॉर्व करने के कॉन्शियस है, मगर इसके पास इतनी सी जो कॉन्शियस नहीं है मैं इसी इंसान के ऊपर काम करूं। वो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो उसी इंसान के ऊपर काम करेगी, बाहर किसी का भी एनर्जीज नहीं लेगी, मगर अपन कहीं भी खरीदते हैं कुछ भी करते हैं फिर तब ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब वाटर क्रिस्टल है, ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं कि मेरे ऊपर ही काम करना है ना। तो वैसा हम नॉर्मली ये क्रिस्टल यूज करते हैं। ओके, सो इसलिए क्रिस्टल को बाहर नहीं छोड़ना है। और क्रिस्टल को हम शेल्फ में कहीं भी छोड़ दिया, वो शेल्फ कभी भी हम स्टील की या धरती से जितने भी मेटल के सामान आया है वो किसी भी मेटल के सामान में हमको क्रिस्टल नहीं रखना है। फिर वो मेटल क्रिस्टल के अंदर की कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेती है। जैसे आपने आयरन शेल्फ पे रख लिया है ना, या स्टील बाउल के अंदर क्रिस्टल को रख लिया, फिर वो बाउल के अंदर सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, फिर आपकी क्रिस्टल एम्प्टी हो जाएगी। सो क्रिस्टल को कभी भी कांच की या प्लास्टिक की या फाइबर की, कांच भी जमीन से आती है मगर एनर्जी इधर से लेके उधर तक ट्रांसफर नहीं होती है। आप बात करते हो या हवा यू करते हो या कोई साउंड करते हो, कांच में से इधर से उधर आप देख सकते हो मगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, ट्रैवल नहीं होती है। जिसमें से एनर्जी ट्रैवल नहीं होती है उस पे वो चीज आप यूज कर सकते हैं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है वो सामान आप क्रिस्टल के लिए यूज कर सकते हो। सिंपल बात। और जो वाटर क्रिस्टल है, हाँ उसको तो आप स्टील की मटके में डाल सकते हो, तांबे की कॉपर की मटके में डाल सकते हो, बिकॉज वो मटका जो भी एनर्जी लिया है क्रिस्टल का वो वापस उसी मटके के पानी के अंदर ही रहती है। ओके, सो क्रिस्टल को कहाँ रखना है? और जो भी इंसान अपने पर्सनल के लिए जो क्रिस्टल को यूज करता है, मींस हाथ में पकड़ के मेडिटेशन करने के लिए अपनी पर्सनली जो क्रिस्टल यूज करता है उसको हम मेडिटेशन करने के बाद फिर निकाल के पॉलिथीन कवर में किसी में पैक करके एयर टाइट के कंटेनर में रखना चाहिए, उसको खुला बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, आस पड़ोस लोग आते हैं, कोई भी आते हैं, उसके ऊपर जो भी असर है वो क्रिस्टल एब्जॉर्व कर देते हैं। फिर उसी को पकड़ के आप फिर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, फिर आपको अपनी स्टोरी नहीं दिखेगी, दूसरों की स्टोरी देखना स्टार्ट कर देते हो। सो इसलिए जो हम अपनी पर्सनल के लिए हाथ में पकड़ के जो क्रिस्टल यूज करते हैं उसको दोबारा एयरटाइट करना चाहिए। एंड कोई भी फ्रेंड्स आते हैं, कोई भी आपकी बेटी भी आया, आपकी सिस्टर भी आया, आपकी मदर भी आया, उस क्रिस्टल को खोल के मैं ये यूज कर रही हूँ बोल के वो क्रिस्टल को कभी भी नहीं दिखाना है, बिकॉज कोई भी क्रिस्टल की ऑरा में आ जाते हैं, उसकी ऑरा में जो भी रीडिंग्स है, जो भी परेशानी है, उसकी ऑरा के अंदर नजर है या कोई चीज है, फिर वो क्रिस्टल का काम क्या है? नेगेटिविटी को खींचना ही क्रिस्टल का काम है, खींच लेगी, फिर आप इसको दिखा के फिर लपेट के फिर अंदर रखोगे, कल फिर उसको निकाल के फिर मेडिटेशन करना शुरू करोगे, फिर आपको इतनी डिस्टरबेंस लगती है और मेडिटेशन पे ध्यान नहीं लगती है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल ओके नहीं होती है। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो समथिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस क्लासेस में भी, सेल के अंदर इतना छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर हमारा 2.5 GB मिनिमम एक इंफॉर्मेशन रहती है। फिर वो इंफॉर्मेशन हम लोअर वालों से कनेक्ट होके, लोअर डायमेंशन वाले से, वहां से हम इंफॉर्मेशन ले रहे, और हर कण ही हमारा गुण है। इसकी वजह हम गलत बिहेव क्यों कर रहे हैं? हम लोअर वाले से इंफॉर्मेशन ले रहे, वो सेल के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, हमको वैसा ही झूठ बोलने की, गलत काम करने की, झगड़ा करने की, और किस जलस है, इनसिक्योरिटीज है, उस तरह की फीलिंग्स आ रही है। ओके, फिर क्रिस्टल करती क्या है? क्रिस्टल क्या करती है?
क्रिस्टल के अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी उसका वाइब्रेशन आ रही है और वाइब्रेशन के साथ जो मिनरल उसके अंदर से आ रही है हमारे सेवन चक्रास को एक्टिव करने के लिए या सेवन ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए जो मिनरल हमको चाहिए, फिर एक एक चक्रा के लिए जो हम क्रिस्टल सजेस्ट कर रहे हैं उस क्रिस्टल के अंदर वो ही मिनरल रहती है। ओके, फिर वो सेल्स के अंदर वो मिनरल जब वो एब्जॉर्ब करती हैं ये सेल्स के थ्रू क्रिस्टल के अंदर एनर्जी, और हाथ में जब हम पकड़ते हैं ये हाथ में जो माइनर चक्रास हैं ये चक्रास के थ्रू, जैसे दिस इज लैब्राडोराइट, हमने ऐसे हाथ में पकड़ के जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है फिर ये माइनर चक्रास के थ्रू, और ये क्रिस्टल इधर है मगर इसका ऑरा 3 मीटर 4 मीटर इसका ऑरा होती है, फिर ये सारे सेल्स के थ्रू जब हम इसका एनर्जी अंदर ले रहे हैं इस क्रिस्टल की कैपेसिटी के हिसाब से, फिर बॉडी के अंदर पूरा, जैसे टैबलेट हम 5 mg लेते हैं, 10 mg लेते हैं, 25 mg कैसे लेते हैं, सो इस क्रिस्टल की साइज की, मिनरल कॉम्पोजिशन की और क्वालिटी के हिसाब से, मीन्स अभी एप्पल तो एप्पल का ही मिनरल देगी, आम है तो आम का ही मिनरल दे रही है ना, सो एप्पल की मिनरल की जो कमी की वजह हमको जो जो बीमारियां है एप्पल खाने से वो बीमारियां सही होती है, और आम के अंदर जो मिनरल है उसकी बीमारियां कम नहीं होती है ना, ऐसा ही इस क्रिस्टल की साइज की और क्वालिटी की और मिनरल कॉम्पोजिशन के हिसाब से जिसका इतना इसका कैपेसिटी है, फिर हमारा बॉडी के अंदर 30 trillion सेल्स में से जो जो सेल्स के अंदर जाके ये क्लीनिंग प्रोसेस कर सकती है, फिर ये क्रिस्टल अंदर की जो इंफॉर्मेशन है और जो लोअर से कनेक्टेड है वो सारे पुल आउट करती है, खींचती है, खींच के अपने अंदर निक्षिप्त करती है, इसीलिए हम क्रिस्टल को क्लीन कर रहे हैं। और ऑलरेडी क्रिस्टल जब हायर से इंफॉर्मेशन लेती है और इसके अंदर जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, जो मिनरल है इसके अंदर वो हम उसने जहां से वो खींच लिया नेगेटिव इंफॉर्मेशन को, उस जगह पे फिर क्रिस्टल की जो पॉजिटिविटी है और ये हायर डायमेंशन जिस डायमेंशन को ये कनेक्ट होके जो इंफॉर्मेशन ये निरंतर ले रही है वो मिनरल के साथ वो हमारे अंदर वो बिठा लेती है। क्लियर? सो ले रही है, दे रही है, ले रही है, दे रही है, फिर ये क्या होती है, फिर एक हद के बाद इसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर ये मशीन चल नहीं पाती है, फिर इसको क्या कर रहे हैं हम सॉल्ट वाटर में डालते हैं, और सॉल्ट वाटर में जब डालते हैं लोग बोलते हैं सॉल्ट वाटर में डाल देना, जब वो सॉल्ट वाटर में डाल रही है प्लीज फ्रेंड 5 मिनट में आप क्लीन हो जाइए, इसको दोस्ती बनाइए, ये बहुत ऐसे ऐसे दोस्ते हैं कि बेचारा जो कुछ भी नहीं मांगते हमारे से, बस देने के अलावा और कुछ करते नहीं है, इसका कार्य एक ही है इसको क्लीन करना और साफ सुथरे रखना और अपनाना, ये दीज आर वेरी क्लोज टू द हार्ट। एक्चुअली क्रिस्टल्स को मैं जब क्लास बोलती हूँ तभी क्रिस्टल के नाम लेती हूँ, वरना तो ये दोस्ते हैं, इस दोस्त का नाम है लैब्राडोरेट, इस दोस्त का नाम है लैपिस, इस दोस्त का नाम है क्रिस्टल, ऐसा ये फ्रेंड्स है हमारी। और जो एक इंसान दूसरा इंसान को परेशानी में जो चीज समझा नहीं पाती है एक लैंग्वेज से, मीन्स कोई इंसान गलती कर रहा है हम इसको इतना समझाते हैं इतना समझाते हैं फिर भी वो शख्स समझता ही नहीं है बात को और गलती करे जाते हैं, उस इंसान को परफेक्ट क्रिस्टल हम देते हैं जो क्रिस्टल उसको समझा के इसके दिमाग में बिठाते हैं ना राइट वर्ड एंड राइट पाथ, फिर सामने वाले इंसान नहीं समझा पाते हैं, बढ़िया दोस्त हैं बिना सामने वाले को परेशान नहीं करे और इसकी परेशानी को अपना चुप मुंह से क्लियर करके जाते हैं। एंजल्स की एनर्जीज, इसलिए क्रिस्टल्स के अंदर एंजल्स की एनर्जीज रहती है, एंजल्स कोई भी धरती पे आना चाहते हैं फिर वो कुछ ना कुछ एक एनर्जी के माध्यम के थ्रू उतरते हैं नीचे, फिर वो क्रिस्टल की एनर्जी के माध्यम के थ्रू ही उतरते हैं, और जो 1:2:6:2 ये जो रेशियोज दिख रही है वो क्रिस्टल की एक फ्रीक्वेंसी रहती है, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो लाइट और वो लव एनर्जी अंदर आती है, जैसे सब लोगों को मालूम है रोज क्वार्ट्ज इज अनाहत चक्रा, दिस इज लाइट एंड लव, एंजल्स की एनर्जीज आती हैं, फिर ये एक एक क्रिस्टल की एक डिस्क्रिप्शन क्यों दिया है, फिर वो ही एनर्जीज लेती है, जैसे वहां गुड़ है तो
तो आप बुलाने की जरूरत नहीं है, मक्खी अपने आप ही आएगी, चींटी अपने आप ही आएगी, आप बुलाने से थोड़ी आएगी। अब नॉर्मल है तो चींटियों को आप ढूंढ नहीं पाते हो कहाँ है, जैसे आपने गुड़ वहां रखते ही चींटी अपने आप लाइन लग जाती है, वो कैसे, उसको कैसे पता चला? वैसा ही जिस एनर्जी के रिलेटेड क्रिस्टल है अपने आप ही उस डायमेंशन के रिलेटेड जो एंजल्स है और हायर डायमेंशन मास्टर्स है वो आके हमारा इधर उतर जाते हैं। आप बुलाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये मालूम चलना चाहिए कि क्या है चीज हम जो यूज कर रहे हैं, और ये हमारा फिजिकल बॉडी पे और एस्ट्रल बॉडी पे और जो सोल के ऊपर किस हद तक ये काम कर सकती है, और क्या क्या बातों पे ये हमारा काम कर सकती है क्रिस्टल। ओके, और मैं आपको एक चीज और दिखाने के लिए लेके आया, सी दिस, दिस इज चाइनीज, मीन्स ये लाइन है शायद 500 रुपए की समथिंग, और दिस इज ओरिजिनल रोज क्वार्ट्ज, ये है कम से कम 2000 रुपए की। ये देखने में दोनों एक है मगर ये एक नहीं है, ये मशीन में डाले तो प्लास्टिक की कुछ ये ऐसे कलर बन के उतर जाती है, और ये एक एक पीस को सान के ऊपर हम काट के और इसको कांडी के ऊपर रख के और वर्कर कम से कम 3 दिन काम करके इसको घुमा के फिर लेडीज बैठ के इसके अंदर डायमंड पाउडर यूज करके इसको ड्रिलिंग करके फिर वर्कर इसको ऐसा नॉटेड बनाते हैं। फिर ये कम से कम ये माला इसकी लॉट बनने के लिए कम से कम 3 महीने टाइम लगते हैं इसे बनाने के लिए पूरा लॉट लॉट को। ये क्या मिशन के अंदर रफ स्लाइसेस काट के वो डाला, बटन दबा दिया, होल भी बन के 26 पीसेस 56 पीसेस ये मीन्स मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से वो बन के 1 मिनट में आ जाती है। ये शायद लाइक 500 रुपीज है, ये 2000 रुपीज है, मगर ये सुंदर दिखती है। बट दिस इज एम्थिस्ट, मैंने ओरिजिनल वाला एम्थिस्ट डाला था, ये नेचुरल ऐसे अफ्रीका से आती है। ओके, एंड हाँ, सो क्रिस्टल को हम, और दूसरा कई लोग बाथरूम में धोते हैं क्रिस्टल को, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, जो अपना सिंक पे है या कुछ वॉश एरिया है वैसा यूज करना, अपने वॉशरूम के अंदर जहां अपन की कमोड है उस जगह पे बैठ के क्रिस्टल को मत धोना। ये हायर बींग्स को अट्रैक्ट करके हायर बींग्स को अपने अंदर रख के और हमारे अंदर जो लोअर बींग्स से हम परेशान हो रहे हैं उस चीज को निकालने के लिए यूज होने की बहुत बढ़िया टूल है। एंड मैं आपको एक बात और बता रही हूं, क्रिस्टल को यूज करना है, क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, क्रिस्टल को यूज करना है, क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आप एग्जाम पे जाओगे जब आपने जो टेक्स्ट बुक से लेके जैसे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपने पढ़ लिया है वो इंटेलिजेंसी आपके अंदर लेके फिर आप एग्जाम लिखोगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बैंक को एग्जाम पे लेके जाओगे, अलाउड ही नहीं है ना। कैलकुलेटर के माध्यम से आपने कोई चीज समझ लिया, ऐसा नहीं कैलकुलेटर को एग्जाम पे लेके जाओगे, अलाउड नहीं है ना। फिर क्रिस्टल से जो भी आपने कॉन्शियस ले लिया फिर उस कॉन्शियसनेस को यूज करके आप हायर पे जाना है। मेरे सासू माँ मेरे बात नहीं सुन रही है, क्रिस्टल दे दीजिए, मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुन रही है, क्रिस्टल दे दीजिए, मेरा बेटा को सीट आना चाहिए 3200 समथिंग रैंक आना चाहिए, क्रिस्टल दे दीजिए, मेरा वो क्या बाल सफेद हो रहे, क्रिस्टल दे दीजिए, है ना। मेरे हस्बैंड में जो बात करते तुरंत हाँ बनना चाहिए, पहले मैं फोन करते तो वो लिफ्ट करना चाहिए, क्रिस्टल दे दीजिए। ओके, सो ये क्रिस्टल्स है, आप इंटेलिजेंसी यूज करके आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ाओगे, आपकी विशुद्धि चक्र के लेवल्स बढ़ाओगे, आप जो बोल रहे हो वो सही बात है तो सामने वाला अपने आप आपकी बात सुनेगा, क्यों नहीं सुनता है। तो अपने आप, तो जब आपने आपके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं हो क्या, आप कुछ भी बोले जा रही हो तो सामने वाला क्यों सुनेगा, सुनता ही नहीं ना। तो ऐसा इससे यूज करके यूटिलाइज करके अपनी ये टूल्स है, ऐसा नहीं ये ही जिंदगी नहीं है, ये टूल्स है, एक लाइफ टाइम पे एक टाइम पे हम इसको यूज करके फिर इससे मैं कई क्रिस्टल से भी ज्यादा वाइब्रेट कर रही हूँ, उससे हायर पे हम चले जाते हैं, तब हमको क्रिस्टल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं जिंदगी भर एक क्रिस्टल को हमेशा हमारे पास रख के हमारे साथ साथ घूमेंगे, और जब हम बॉडी वेकेट करेंगे तो क्रिस्टल को लेके थोड़ी जाएंगे,
हमारे इंटेलिजेंस को और कॉन्शियसनेस को साथ लेके जाएंगे। यस ओनली टूल्स है। कई लोग क्रिस्टल को ऐसे आदत पड़ गए, मैं क्रिस्टल नहीं है तो मैं जी नहीं पाती हूँ, मैं कहीं भी क्रिस्टल और मेरे क्रिस्टल खो गए मैडम बोलकर रो रोते फोन करते हैं और अपना हालत बुरा कर लेते हैं और मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरा क्रिस्टल है ना मेरे एंजल ब्रोक हो गया और मैं सुसाइड कर लूंगी, ऐसा भी फोन आती है मेरे पास। ऐसा वैसी चीजों से आपको बाहर आने के लिए क्रिस्टल है और इस पे बंधने के लिए कभी क्रिस्टल नहीं है। ओनली दीज आर टूल्स, टूल्स को टूल्स जैसे यूज करके आगे जाइए। मैं इतनी क्रिस्टल्स में दिन रात रहती हूँ, मेरे घर पे कम से कम 10 टन माल रहती है, नीचे हो ऊपर हो बाहर हो कहीं भी हो, फिर भी मैं क्रिस्टल को यूज कर रही हूँ। मगर ऐसा नहीं क्रिस्टल को अटैच होके कोई भी हो, क्रिस्टल का ही यूज करने से ही तुम बाहर आते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर चीज की उपाय है, हर चीज से भी इससे बढ़के और एक चीज जरूर होता है, और हर चीज से भी बढ़के आप ही हो, हर चीज से भी बढ़के आप ही हो। मगर आपको जब बढ़ने के टाइम पे क्रिस्टल्स की जरूरत ले रहे हो बस। ओके नोट दिस पॉइंट। ओके एंड नेक्स्ट, वाटर क्रिस्टल्स हमने एक्सप्लेन किया था और वाटर क्रिस्टल्स क्यों यूज करना है। हम अभी जितने भी वाटर हम पी रहे हैं, इस वाटर के अंदर एनर्जी नहीं है, ये निर्जीव जल है। पहले ये जीव जल हम बोलते थे, मीन्स यही रॉक्स के ऊपर से पानी आके फिर हमारे घर के अंदर आते थे। मगर आजकल क्या हुआ, हम एक बूंद भी पानी इलेक्ट्रिसिटी से खींच के आ रही है, फिर वाटर की जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डैमेज हो गए। वो स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह हम जो पानी पी रहे हैं तो कांच की ग्लास में डालता है, इधर से उधर ओनली साफ दिख रही है, मगर इसके अंदर जो एनर्जी होके एक एक सेल में इंफॉर्मेशन जाना चाहिए और हायर वाले से हमको इंफॉर्मेशन लेना चाहिए और ऑलरेडी हमारे अंदर जो पावर है वो एनहेंस होना चाहिए और उस पावर से हम काम करना चाहिए, वो चीजें ट्रांसमूट नहीं हो रही है। ओके सो हम क्रिस्टल को पानी के अंदर डालते हैं, एक मिनरल कॉम्पोजिशन को रिटर्न देती है और दूसरा डीएनए के स्ट्रक्चर को वाटर की ये सही करती है। और वाटर में क्रिस्टल डाल के 8 घंटे उसको हिले नहीं, उसको छोड़ देता तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स और देती है। इसलिए सब लोग सुबह उठ के पानी भरते हैं, मैं रात को मटके के अंदर पानी भर के, क्रिस्टल रहती है उसके अंदर, पानी भर के उसको छोड़ देते हैं, सुबह उठते हैं फिर वो पानी दिन भर हम पीते हैं। ओके सो मिनिमम इट नीड्स लाइक 8 आवर्स। ओके एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिस्टल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द मेन, मींस इतनी लाइफ में और एक अद्भुत, दिस इज कॉल्ड एज ऊनाकाइट, UNAKITE ऊनाकाइट, कभी सुना कभी देखा ऊनाकाइट? आई शो यू मोर। ये ऊनाकाइट क्रिस्टल जैसे स्पिरिचुअलिटी में या फिजिकल में 1 लाख बात है तो शायद 1 लाख भी ये पूरी कर सकती है। व्हाट 1 लाख टॉपिक्स है हमारा, तो 1 लाख को भी शायद ये पूरी कर सकती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूट कॉज पे जाके। ओके ये इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, और इमोशंस को बैलेंस करने का मतलब यूं ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के बैलेंस कर सकती है। और ये जहां अपन के अंदर दुख है और कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, जहां डार्कनेस है, ये क्यों है? ये पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह है। फिर वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर जाके वो रूट प्रॉब्लम पे, वहां ये मेरी जैसी है, ये वहां पूरी वो वहां से निकाल के, फिर जड़ से निकाल के वो एक एक सेल को धीरे धीरे रिपेयर करता हुआ फिर वो क्लियर करती है। ओके कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है अभी सडनली कुछ माय हो गया, फिर आपकी ये दुख आने की क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपके अंदर की रूट कॉज से निकाल के फिर आपको उस इमोशन से ये निकाल सकती है क्रिस्टल। एंड किसी को भी कोई बैड हैबिट्स है, मीन्स ये बैड हैबिट्स क्यों होती है, आप सुन ही रहे हो लोअर डायमेंशन वाले से कनेक्ट होने से और ये सोल की जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह, फिर वो अच्छा नहीं रहे तो कैसे होता है ये एक्सपीरियंस, मजा चखना चाहती है। फिर वो जो मजा है ये उस सोच जो है उस सोच में से ये
बाहर लेके आती है, वो ओवर ईटिंग है, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल है, ओके, और बैड ईटिंग हैबिट्स है, ओवर ईटिंग हैबिट्स है, लिमिटलेस ईटिंग है, और बाहर कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, और एक के बाद एक तरीका से खाते हैं, और बेतरीका से जो इंसान खा लेता है, फिर उस चीज से भी ये बाहर लेके आती है। एंड शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस क्रिस्टल्स, एंड किसी को भी माँ बनने की इच्छा है, या यूनिवर्सल मदर जो बोलते हैं, कोई भी हो, अपना लव एंड लाइट सबको बांटना चाहते हैं, या मदर अर्थ को हील करना चाहते हैं, या मीन्स सबके साथ एक प्यारा सा इंसान बनने की फीलिंग आते हैं, मुझे ऐसा एक फैमिली के साथ मीन्स दो लोग ही मुझे मम्मी बुलाए, ऐसा नहीं मैं यूनिवर्सल मदर हूँ, मैं बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों की लव एंड लाइट लेना चाहती हूँ, जो हमारा पीएमसी जयपुर में मॉर्निंग एक प्रोग्राम चलती है, आई लव यू लाइट लव्स यू, ऐसा हम एक प्रोग्राम करते हैं, वैसा इतना लव एंड लाइट को अबॉन्डेड, ऐसा नहीं है 5 लोग 10 लोग 20 लोग, हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक आप उसको पहुंचाना चाहते हो। जो है ना साउथ इंडिया में एक अम्मा करके, फिर वो केरला की है, फिर ऐसा जो इतना हाईएस्ट लव एंड लाइट आप सब लोगों को बांटना चाहते हो, और आपसे वो चीज रिलीज करना चाहते हो, और इतना ही लव एंड लाइट आप हायर डायमेंशन से लेना चाहते हो, और यूनिवर्स से और मदर अर्थ से, आपकी कॉर्ड से कनेक्ट होके यूनिवर्सल एनर्जी हम सुन रहे हैं, मगर वो यूनिवर्सल एनर्जी लेना चाहते हो, तो वो कॉर्ड को स्ट्रांग करना है, और वो स्ट्रांग और वो कॉर्ड के साइज बढ़ाना है, और वो कॉर्ड से कंप्लीट एनर्जी को आपको लेना है, तो ये क्रिस्टल बहुत यूज होती है। और आपके अंदर जो भी साइकिक पैटर्न्स है, इमोशंस है, ओवर ईटिंग है, और ना समझ है, और अंडरस्टैंडिंग से, और ये अंडरस्टैंडिंग सोल लेवल पे भी हो या डीएनए लेवल पे भी हो, कहीं से भी हो, रूट कॉज में से उसको क्लीन करना इसकी आदत है। कहीं दाग लग गई, एक वर्कर साफ करेगी तो ऊपर की साफ करेगी, एक माँ जब वो दाग को साफ करेगी, कपड़े को भी साफ करेगी, वहां डबल डबल साफ करेगी। ये मदर अर्थ इस क्रिस्टल को बोलते हैं यूनिवर्सल मदर, इस क्रिस्टल का नाम ही यूनिवर्सल मदर है, और मदर अर्थ को और मदर मरिया को इसके साथ रिसेंबल करके देखते हैं, ओके। इसका थोड़ा सा अजीब सा नाम है यूनाकाइड, और जो मदर्स फीडिंग कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है, और कोई प्रेग्नेंट लेडीज है वो तक भी ये क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, और किसी को भी अपना विजन को बढ़ाना है, मीन्स पीछे 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 जाके क्या हुआ है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने क्या किया है, ये बात वो अपने आप को देखना चाहते हैं, और ये विजुअलाइजेशन मीन्स हम बैठे बैठे हमारे गलती को मानते नहीं है, मीन्स हाँ मैंने ये गलती किया, इसकी वजह मुझे ये परेशानी आया, और मुझे इस परेशानी से ऐसे बाहर आना है, तो ये रास्ता है, उसको मुझे माफी मांगना है, और यहाँ मेरे बिहेवियर को मुझे चेंज करना है, ये बात हम मानने के लिए हमारे अंदर ईगो बीच में आ जाती है, उस चीज को हटा के बहुत प्यार से हमारे अंदर लव एंड लाइट और ज्ञान डाल के हमारा अंदर चेंज लेके आती है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे सामने झुके, मगर हमारे जो ईगो की वजह हम झुकना पड़ रही है, और हम मुसीबत में आ गया, और हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस चीज को हमारे अंदर से निकालने के लिए सुपर क्रिस्टल है। एक्चुअली इसको क्रिस्टल भी नहीं बोलते, इसको मदर अर्थ ही हम पुकारते हैं इसको, ओके, यूनिवर्सल मदर अर्थ। एंड एनवायरमेंट में मीन्स आपके घर पे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, मीन्स कचट कचट चल रही है, लोग एक जगह बैठते ही तो जगड़ के अलग होते हैं, या कुछ सब साथ बैठ के कोई खाना खा नहीं पाते हैं, कुछ साथ बैठ के ट्रैवल कर नहीं पाते हैं, कुछ करते ही साथ में जाने के कुछ सोचते ही फिर कुछ ना कुछ हो जाते हैं। घर पे एनवायरमेंट जब सही नहीं है, उसको भी ठीक करने के लिए और लोग के मूड ठीक करने के लिए भी ये क्रिस्टल यूज होती है। एंड
ये जो इस क्रिस्टल के थ्रू जो एनर्जीज आते हैं ये बहुत जेंटल एनर्जीज और बहुत स्मूथ एंड काम टाइप की एनर्जीज आते हैं। जो इंसान वहां बैठे बैठे मीन्स क्रिस्टल पास में है या वहां इंसान बैठे बैठे सो सकता है, जैसे कूल ब्रीज आ रही है, आराम हो रही है, तो अपन एक रिलैक्स मोड में कैसे आते हैं, इस क्रिस्टल में से उस टाइप का ही रिलैक्स मोड की एनर्जीज आते हैं। ओके, इसलिए इसको ऑफिस में नहीं रखते हैं, ये घर का ही क्रिस्टल है, ये लेके जाके ऑफिस में मत रखना। फिर इधर अगेन कॉन्शियसनेस, यूज योर कॉन्शियसनेस। ओके, और जहां किसी का झगड़ा हो रही है वहां एक क्रिस्टल को आप प्लेस कर लो। सी दिस इज ऑनकाइट। एक्चुअली इस पे क्या होता है, वो एडिट होके पिक्चर्स आते हैं नेचुरली, तो वो क्रिस्टल ऐसी रहती है ऑनकाइट। और ये रफ क्रिस्टल ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ये क्रिस्टल को हाथ में रख के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपके अंदर मेडिटेशन करते हो बॉडी में बहुत हीट आ रही है या बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रही है या पेन्स, बहुत पेन्स आ रही है और आपके साथ मेडिटेशन में क्या हो रहा है आपको खुद पता नहीं चल रही है और आपको मेडिटेशन करने नहीं दे रही है कोई परेशानी, तो आप इस क्रिस्टल के माध्यम से आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या और कहीं भी डिसीज से, कोई डिसीज आया हमको, उस डिसीज से हम फाइट कर रहे हैं, ये डिसीज हमारे अंदर एंटर होने के, शुरू में हमने बात किया था ना, डिसीज हमारे अंदर एंटर होने के लिए क्या रीजन थी, उस रीजन को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे वो बीमारी हमको छोड़ेगी नहीं, और हमको वो सोच छुड़वाने के भी ये क्रिस्टल काम में आती है। ओके, सो वो रीजन को हमको छोड़ना चाहिए, वरना तो आप बाहर जाके कितने भी दवा खा लीजिए यूज क्या है, वो रीजन हमको छोड़ना चाहिए। ओके, एंड ये जो भी पास्ट है, परसों मुझे फीवर आ गया, फीवर तो अभी उतर गया, मगर मैं अभी कोई भी काम करने के लिए, अरे यार मैं अभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे परसों फीवर आया, अरे यार मैं एसी ऑन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे परसों फीवर आया। फिर हम पास्ट की जो भी बातें हैं उस एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आते हैं, उसके साथ साथ ट्रैवल करके हमारे एनर्जीज को हम रेज करने नहीं देते। आपने इसी मूड में रह गए ना, हाँ मुझे फीवर आ गया, फिर आप स्वस्थ हो गए हैं, इस बात आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, इस बात पे आप यकीन में नहीं आ रहे ना, मैं परसों फीवर आया, आज आप अच्छे हो, आज आप खा सकते हो, पी सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो, हजम कर सकते हो, मगर आप प्रेजेंट में नहीं हो, आप पास्ट में ही हो। ऐसा कई बातें हैं, शादी पे गया था मुझे नजर लग जाती है, या मैंने कुछ कर लिया ये होती है, ऐसा कोई पास्ट की बातें, अभी भी आप वो ही मूड में ट्रैवल हो रही हो, वो सारे चीजों को निकाल के आपकी ओरा में से, चक्रास में से, और आपकी कोशास में से, और आपकी मूड्स में से, ये सारे चीजें निकाल के स्टेबलाइज करने की बढ़िया क्रिस्टल है। ओके, व्हाट इज द क्रिस्टल नेम, ऊनकाइट, UNAKITE, और कई जगह ये ओ भी यूज करते हैं, ऊनकाइट भी यूज करते हैं, मगर इंडियंस हम UNAKITE ऐसा यूज करते हैं इसको। फिर इससे और बढ़िया बात क्या होती है जिंदगी में, अब वो मूड आपने चेंज कर लिया, एक बार किसी के बाहर कुछ हो गई तो उसी मूड पे जब हम चल रहे हैं उसको हम क्लियर करते हैं। ओके, वो क्लियर करने की यूज में है ये क्रिस्टल। सो एंड इसको घर पे हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, मेडिटेशन करते वक्त चलो हाथ में नहीं पकड़ता, ये घर या साइड में भी रख सकते हैं, और छोटे छोटे इतने इतने रफ पीसेस को आपकी आगना चक्रा के ऊपर रख के भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, और कोई घर पे छोटे बच्चे हैं, ये 4-5 इतना छोटे पीसेस को हम एक बैग के अंदर रख के फिर बच्चों के पास भी हम रख सकते हैं। कोई लैक्टेशन मदर्स है और प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी ओनली बगल में रख के, चलो हाथ में मत रखो, बगल में रख के यूज कर सकते हैं, और घर पे कहीं भी एनवायरनमेंट सही नहीं है उस एनवायरनमेंट को सही करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जो भी पास्ट की पुराने बातों से अभी आप परेशान हो रही हो
उस चीजों के लिए निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो। और कोई भी बैड हैबिट्स और आपको खुद पता है हाँ मेरे अंदर ये गलती है मगर आप सुधार नहीं पा रहे हो, उस इमोशंस को क्लियर करके फिर अपने आप को चेंज करने के लिए ये क्रिस्टल बहुत यूज होती है। ओके, सो मैं इतनी सारे क्रिस्टल्स में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स को कवर करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स को कवर करें और आपको कम रेंज में एक ही क्रिस्टल में बहुत सारे फायदा हो जाए, वो क्रिस्टल को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा हम बात करेंगे तो हजारों क्रिस्टल है, अब हजारों तो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हजारों गुण जिसपे है वो एक को हम यूज करेंगे। ओके जी, बोलिए जी, तिवारी जी बोलिए। हाँ हाँ, हमको ये कहना था कि जैसे अपन ग्रह से इसको कनेक्टेड किए अपन गुरु ग्रह और जो भी जितने भी प्रकार हैं, तो क्या जैसे जो सजेस्ट हुआ है अपने को उसको पहनने का, उसको यूज करने का, वो पर्टिकुलर दिन है, वो पर्टिकुलर टाइम है या कभी भी एनी टाइम? जी, जो नवग्रह के रिलेटेड है वो टाइम और डेट करके यूज करते हैं। जो नॉर्मल सेमी प्रीशियस है ठीक है, इतना कोई पर्टिकुलर है नहीं, वी कैन यूज इट। ओके, और दिन और रात का भी कुछ इसमें? हाँ, और क्रिस्टल को जो भी क्रिस्टल माला पहनते हैं इसमें 12 चक्रा 7 चक्रा कोई ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, हर क्रिस्टल सूर्योदय काल से लेके सूर्यास्तमय काल के अंदर हर एक क्रिस्टल एक एक टाइम पे अपने एनर्जीज को हाईएस्ट रिलीज करती है। ओके, हाईएस्ट रिलीज करती है, तो हर इंसान फिर उस टाइम पे हम क्रिस्टल को निकाल के शेल्फ में रख दिया और हम बैठे हैं तो ये काम नहीं करती है। तो इसलिए क्रिस्टल को मैक्सिमम पहन के रहना है। फिर कभी कभी कोई पार्टीज पे फंक्शंस पे जा रहे हैं, कभी कुछ परेशानी है तो हम उस क्रिस्टल को निकालते हैं, वरना तो ये सेल्स निरंतर। एक्चुअली क्या होता है, आप अभी एक काम कर रहे हो, करते करते आपके अंदर एक्सपीरियंस आ रही है, आप एक चीज सोच रहे हो, एक्सपीरियंस आ रही है, फिर उस टाइम पे क्या होता है आपके साथ जो लोअर के लोग कनेक्टेड है फिर वो अरे यार इसको पानी क्यों पिलाना है, तुम चले जाओ, तुम्हारा क्या लेना, अरे किसी का पैसा तो क्या हो गया, ले लो, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। फिर जब हम हायर से कनेक्टेड है, इस शख्स को पहले खड़े होके इसको पानी पिलाओ, चाहे तुम्हारा काम खराब हो गया या तुम्हारे को नुकसान भी हो गया, मीन्स उनको अरे मैं ऑफिस के लेट हो जाऊंगी, आज के 1000 रुपए हमको कट जाएगा, ये दिखने के बाद भी हम उसको पानी पिलाएंगे, सब काम करेंगे, है ना। फिर ये बोलिए बोलिए जी, ये लोअर टू हायर हम जो चेंज नहीं हो पा रहे, ये चेंज लेके आने के लिए बीच की टूल ही क्रिस्टल है। ओके ओके, बस हमको वही जानना था कि टाइमिंग्स वही सूर्योदय वाला जो वैदिक वो है वही सबसे सही रहता है, और चीजों को उतार के इधर उधर रखना नहीं है अपने को, बाकी जो यूजफुल क्रिस्टल्स हैं उनको भी एयर टाइट उसमें रखना है, कहीं भी रख दिए कुछ भी कर दिए ऐसा नहीं करना है, और क्लीनिंग करना है 15-15 दिन में जी, इतना ही ना जी जी ओके जी। एंड एक्चुअली और भी 2-3 क्रिस्टल के बारे में बताने के लिए सोच रहा था, एक इम्पोर्टेंट और क्रिस्टल के बारे में बता के फिर हम मेडिटेशन में बैठेंगे, मिनरल किंगडम को कनेक्ट। ओके ओके, सो और एक मेन इम्पोर्टेंट और एक क्रिस्टल है, दैट इज एमेथिस्ट। सो मैक्सिमम हर इंसान दिन भर कुछ ना कुछ चक्की चलाता ही रहता है, फिर वो सारे चीज को हम उतार के सुकून से सो के रात भर जो हायर से इंफॉर्मेशन आते हैं और हमारे दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में चलता है, मगर जो चल रहे हैं उस काम को कामयाब, सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के उस काम को कामयाब करने की हर इंसान कोशिश करता है, हर इंसान के टारगेट से ही सोता है रात को, फिर वो टारगेट को रीच होने के लिए इनको जो एनर्जी चाहिए और ब्रेन के अंदर जो क्षमता चाहिए और हायर से जो इंफॉर्मेशन लेना चाहिए वो हम एमेथिस्ट को सिराने के पास रखना,
रखने से ये बहुत फर्क पड़ती है, बहुत फर्क पड़ती है। मैं अभी भी 15 kg क्रिस्टल को यूज करती हूँ, एमेथिस्ट की एक सिंगल पीस है तो उसी को यूज करती हूँ। और बस इसको अमावस्या और पौर्णमी के पहले हम इसको साफ करते हैं, मीन्स वॉश करते हैं। और ऐसा बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, हम बार बार साफ नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सेलेनाइट डाल के रखते हैं तो बाकी सारे क्रिस्टल्स क्लीन होता है। और कर्फूर की इतना सा एक पीस, जैसे 5 rupees 7 rupees की मिलती है ना, एक पीस क्रिस्टल के ऊपर रखते हैं तो वो भी क्लीन रहती है। और छोटे छोटे प्लास्टिक पिरामिड, नॉट कॉपर पिरामिड, ओनली प्लास्टिक पिरामिड, छोटे छोटे जो होता है जो परफेक्ट डायमेंशन में है, वो भी क्रिस्टल के ऊपर हम प्लेस करते हैं तो भी वो क्रिस्टल निरंतर, जैसे 5 meters इसका एनर्जी है तो 10-15 meters तक इसका एनर्जी एनहांस होती है। ओके, सो ऐसा हम क्रिस्टल को डिफरेंट टाइप्स में यूज करते हैं। और जो उस बेड पे जितने भी लोग सो रहे हैं सबके लिए एक एक क्रिस्टल काम में आएगी, एक एक इंसान को एक एक यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है। ओनली अपन को क्या करना है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन में बीटा वेज गामा वेज परफेक्ट 20-22 हिजॉट्स परफेक्ट चलना चाहिए। और सुबह उठ के हम जो काम रात को सोच के सो रहे हैं वो सुबह उठ के वो मार्ग निर्देश परफेक्ट होना चाहिए, और उस काम पे ऊपर हम कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होके वो काम परफेक्ट हम करके स्टार्टिंग टू एंडिंग नॉलेज मिलना चाहिए। ओके, तो हमारा काम अच्छा हो गया। तो ये क्रिस्टल यूज करने से दिन दिनाभिवृद्धि, मीन्स आज से कल बेहतर होएगा, कल से परसों और बेहतर होएगा, परसों से और नेक्स्ट डे और बेहतर होएगा, ऐसा एवरी डे हमारा एनर्जी लेवल हायर में जाता रहते हैं। और ये सहस्रार चक्रा के रिलेटेड क्रिस्टल है, ये हमारे चक्रा के अंदर जो भी पेटल्स हैं एक एक को ओपन होने के लिए जितने एनर्जी चाहिए वो धीरे धीरे देती रहती है। एंड और बोलना है तो ये शनि ग्रह के रिलेटेड है, और पितृ लोगों के जितने भी आशीर्वाद हमको लेना है वो भी ये क्रिस्टल दिलाती है। ये बात है, मगर ये साइंस की बात एक अलग, एक स्पिरिचुअलिटी की बात अलग है, ये साइंस की तो ये है। और एमेथिस्ट के अंदर जिंक एंड आयरन रहती है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे आपकी ब्रेन शार्प काम करने के लिए और रिमेम्बरी पावर बढ़ने के लिए और ब्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए डॉक्टर आयरन एंड जिंक का ही टैबलेट देता है। आप कहीं भी मीन्स आपके घर पे डॉक्टर्स होगा, किसी से पूछ लिए, जिंक का टैबलेट यूज करते हैं। इसके अंदर आयरन फोर आयन्स आयरन एंड जिंक रहती है एंड सिलिकॉन ऑक्साइड अच्छा भरपूर रहती है एमेथिस्ट के अंदर। दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एमेथिस्ट। ओके, सो हमारे ब्रेन के ऊपर ये काम करती है। और ब्रेन के अंदर एक सोच आते हैं तो कोई परेशानी हमारे सामने आ गया तो उसका आंसर किसी किसी को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मिलती है, ऐसा नहीं, इमिडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन और उसका आंसर ऑन द स्पॉट राइट नाउ इसी वक्त मिलके हम उस टाइम पे वो काम सक्सेस होके घर पहुंचना है, वैसा वो शार्प रखती है ब्रेन को। जी नेहा जी, मैम आपने जो वाटर क्रिस्टल बताए हैं क्या वो कॉम्बिनेशन कौन से रखने हैं वो भी बता देंगे? जी क्या क्या वाटर क्रिस्टल्स आपने बताया ना जो पानी की घड़े में रखने हैं करके 8 hours के लिए, तो कौन से रखने हैं आप बता देंगे प्लीज? रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ग्रीन एवेंचुरन और वाइट क्रिस्टल, इनके सारे के छोटे 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 ऐसा मिलती है। ये देखिए, ओके, ये रॉ टीक है, एक्चुअली टंबल भी मिलता है मगर टंबल क्या होता है कॉस्टली ज्यादा हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम रॉ को यूज करते हैं। और टंबल क्या क्या होती है इसको टंबल क्या होता है इसको पॉलिश करते हैं। सो मैं एक्चुअली कारीगर को अपन को पैसा देना पड़ती है और इस पे से जो वेस्ट जाती है उसका भी पैसा है और इसके लिए जो बिजली यूज करते हैं उसका भी पैसा है और इसका पॉलिश का भी खर्चा है, तो फर्क तो कुछ भी है ही नहीं। तो इसलिए मैं रॉ को सजेस्ट करती हूँ, रॉ का यूज करती हूँ। और हाथ में पकड़ के मेडिटेशन के लिए भी मैं 99% रॉ क्रिस्टल ही यूज करती हूँ, बिकॉज रॉ क्रिस्टल जैसे 1000 rupees per kg 2000 rupees per kg में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है
और पॉलिश्ड होता है तो वो लीस्ट टू लीस्ट लो क्वालिटी 4,000 रुपए पर केजी से स्टार्ट होती है. ओके सो इतना दुगना फर्क है बिकॉज वेस्टेज और वर्कर चार्ज और मेकिंग चार्ज, हम तीन चार चार्जेस है वहां देना पड़ता है. ओके सो ये रॉ आप यूज कर सकते हो. जी जी बोलिए मैम. आपने यूके नाइट का जो बताया जी ओना काइट, इन्फॉर्मेशन जाके वहाँ के नेगेटिविटी क्लीन होके फिर हम वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाके ये क्लीनिंग प्रोसेस करके इतना प्रोसेस करना है तो वो 1/2 kg से लेके 750 ग्राम के बीच में चाहिए होती है. और छोटे बच्चे हैं तो इतनी इतनी पीसेस 5-6 pieces हम यूज कर सकते हैं. जी बोलिए. अच्छा वो डेली ऐसे पहन नहीं सकते उसको राइट, जैसे आप बाकी क्रिस्टल्स. नहीं नहीं वो पहनना नहीं है, ये रॉ फॉर्म में ही ज्यादा इफेक्टिव. और पहनोगे तो जैसे आप 100 ग्राम भी ले नहीं पाते हो, 100 ग्राम भी आप पहन नहीं पाते हो. माला है तो 150 ग्राम ऐसा होगा और ब्रासलेट है तो 100 ग्राम भी नहीं होता, वो 50 ग्राम होता. माला है तो 125 ग्राम समथिंग होता. वो 125 ग्राम से इस क्रिस्टल से कुछ भी नहीं होने वाले हैं. और आप माला खरीदोगे तो वो 125 ग्राम कितनी कॉस्ट में आता है, ये रॉ स्टोन भी ये 700 ग्राम और 1/2 kg भी उतने ही पैसे में आएगी. तो क्यों पैसे वेस्ट करना है ना. जी मैं लोगों की 1 रुपए भी वेस्ट होने नहीं देती हूँ, इसलिए मेरा भी कभी भी कहीं भी पैसा वेस्ट होती नहीं है. बिकॉज मैं वही मूड में रहती हूँ ना, किसी के पैसा वेस्ट ना करे, किसी के पैसा वेस्ट ना चले जाए, वो उसी मूड में कंजूस मूड में रहती हूँ. फिर मेरा भी पैसा ऐसे ही रहती है और मैं भी उसी मेरा पैसा भी उसी मूड में यूज होती है. ओके जी लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन या और एक क्रिस्टल के बारे में बोल के फिर क्लास एंड करूं, चॉइस इज योर्स. मैम मेडिटेशन थोड़ा करवाइए. ओके ठीक है चलो जी. फिर हम मिनरल किंगडम को कनेक्ट होके अभी मेडिटेशन कर रहे हैं. और कई लोग क्या करवाते हैं, इस क्रिस्टल को कनेक्ट होके मेडिटेशन करो, उस क्रिस्टल को कनेक्ट होके मेडिटेशन करो बोलते हैं. क्रिस्टल वर्ल्ड को हम कनेक्ट होके हायर डायमेंशन में क्रिस्टल मास्टर्स को कनेक्ट होके हम मेडिटेशन कर सकते हैं, मगर धरती पे जो ऑलरेडी क्रिस्टल्स उतरे हैं उनको कनेक्ट होके हम मेडिटेशन नहीं करते हैं. बिकॉज वो माइंड्स में से कहीं से भी वो क्रिस्टल है, वहां से फिर वो क्रिस्टल तैयार होके किसी ना किसी के पास जाती है. फिर अपन ऐसा नहीं है मैं आंध्रा बैंक के अंदर लॉकर को कनेक्ट होके वहां की गोल्ड के अंदर सारे एनर्जी ले रहा हूं, वैसा हम मेडिटेशन नहीं कर सकते ना. आप समझ रही हो बात. मैं मेरा पड़ोसी के पास खूब पैसा आया है, उसने घर सेल किया तो मैं मनी मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके घर पे जो भी लॉकर के अंदर पैसा है उसके कनेक्ट होके मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, वैसा नहीं करते. आप यूनिवर्स में जो अनंत निधि है उसको कनेक्ट होके आप मेडिटेशन कर सकते हो, है ना. ये थोड़ा सा समझ लीजिए. जी बोलिए. हाँ अनम्यूट कीजिए. जी नमस्ते मैम. जी नमस्ते. हेलो. जी जी बोलिए. हाँ मैम आपने अभी जो बताया कि हम क्रिस्टल की जो माला पहनते हैं तो वो माला हम 24 घंटे रख सकते हैं ना अपने ऊपर. जी रखना ही चाहिए. कभी कभार जैसे आप बाहर जा रहे हो कुछ पार्टीज में फंक्शंस में तो हम इसको छोड़ देते हैं, नॉर्मल है तो हमेशा पहन के रहते हैं. ओके निरंतर पार्टीज में जाते वक्त क्यों निकालना है मैम. जैसे वो लोग बोलते हैं कि ड्रेस की मैच नहीं हो रहे मैम, हम स्टाइल को कोई कमी आ रहे मैम, बस वही है इसीलिए. और कभी किसी मतलब किसी के डेथ के ऊपर वगैरह गए तो वहां पे भी निकाल के कंपलसरी क्रिस्टल पहन के जाना है, क्योंकि वहां की जो भी नेगेटिविटी है रोना धोना उसकी वजह आपकी ऑरा जो डैमेज होना वाला है वो नहीं होके क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट करती है. आने के बाद क्रिस्टल को वॉश करके अच्छी तरह से रिचार्ज करके फिर दोबारा पहनते हैं. कहीं भी आपको लगती है हम अच्छी जगह पे नहीं जा रहा तो जरूर अपने दोस्त को साथ लेके जाना, आपकी दोस्त आपकी हिफाजत करेगी, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखेगी, आने के बाद दोस्त की धुलाई कर देना.
उसको कुछ अफर्मेशन करना चाहिए मैम क्रिस्टल? नहीं कुछ भी जरूरत नहीं, क्रिस्टल का काम ही वो है, अपने आप ही वो प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो वो कुछ अफर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप ही जैसे हमको प्रोटेक्ट कर रही है, पैर पे चप्पल पहन रहे हैं तो वो अपने आप ही अपन को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, ये क्रिस्टल के काम ही प्रोटेक्ट करना है। फिर आपको कोई चीज अफर्मेशन तब करते हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब को चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल यूज कर रहे हो तो मेरे लक में है, मगर मिलने के लिए आपकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप एफिरमेट करके ये क्रिस्टल को प्रोग्राम करके यूज करते हो, है ना। जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं वो तो नॉर्मल यूज कर लेना। तो मैंने आपसे जो क्रिस्टल मंगवाई है वो आपने प्रोग्रामिंग करके भेजते है क्या मैम आप? वो हर चीज प्रोग्रामिंग नहीं करते है, कोई कोई अभी कोई है दारू पी रहे हैं उसको वो छुड़वाना है तो उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई है फिर उसको नॉर्मली एनर्जी मिलना चाहिए फिर वो प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। कुछ चीज वाटर क्रिस्टल है उसको कभी प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, वाटर क्रिस्टल को वैसे किसी को पर्टिकुलर लोअर डायमेंशन से कुछ चीज ले रहे हैं, वो गलत चीजें इंफॉर्मेशन थॉट्स ले रहे हैं तो उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर वो सामने वाले की जो मैं केशीट लिखती हूँ तो शीट के हिसाब से जिसको जो करना है वो करके भेजते हैं, घर पे रखते हैं तो प्रोग्रामिंग करके ही भेजते हैं, फिर उसको जो जो कमियां हैं वो एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके घर में सारे शख्स को मिलना चाहिए। घर में यूज करने के लिए जो क्रिस्टल आपसे लिया है मैंने वो कौन सी दिशा में रखना है उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं जो मेरे पास डेली 200 लोग 300 लोग फोन करते हैं तो आपकी जो क्रिस्टल है वो आपकी बुक खोल के देखना पड़ती है मुझे, अब मैं ऐसे कैसे बताऊं, रोज 20-30 पार्सल ले जाती है ना। ओके और मेडिटेशन मैसेज कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए तो आप क्रिस्टल की नेम में बता देती हूँ। ओके ओके और मेरा वही एक प्रॉब्लम है कि मेरा मतलब एक्चुअली एजुकेशन अच्छा है, प्रमोशन के चांसेस भी है पर मुझे प्रमोशन मिल नहीं रहा है। ओके ओके तो कल सुबह एक बार आप मैसेज कर लीजिए। ओके कल सुबह कर लूँ क्या? मैसेज कर लीजिए तो मैं आपकी वो निकाल के देख बताती हूँ। ओके 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 जी लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। जस्ट हम एक 15 मिनट्स के अंदर अंदर इसको सेशन को खत्म करना है। ओके चलो क्लोज योर आईज। हम मिनरल किंगडम को कनेक्ट हो रहे हैं जो हायर डायमेंशन में है, और हम क्रिस्टल मास्टर्स से कनेक्ट हो रहे हैं जो ऊपर से नीचे सारे क्रिस्टल्स को इंफॉर्मेशन देके जिस जिसके पास जाके वो अपना काम करना है, इसलिए हम ऊपर से ले रहे हैं ये, और जो क्रिस्टल हमारे पास है वो क्रिस्टल हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए और उस क्रिस्टल से हमको आगे हायर डायमेंशन लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। ओके क्लोज योर आईज। सुखासन में बैठिए, हम सारे क्रिस्टल किंगडम को कनेक्ट हो रहे हैं हायर डायमेंशंस में, जो क्रिस्टल किंगडम है उससे कनेक्ट हो रहे हैं आपकी ब्रह्मरंध्र के थ्रू, वहां की इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज आपके अंदर पास ऑन हो रही है। बहुत लाखों क्रिस्टल मास्टर्स हैं जो निरंतर इस धरती पे सबको स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए लाखों क्रिस्टल्स को वहां तैयार करके इंफॉर्मेशन के साथ एनर्जीज के साथ हम ट्रांसफर होने के लिए भेज रहे हैं। सारे मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए क्रिस्टल किंगडम से, क्रिस्टल वर्ल्ड से, क्रिस्टल मास्टर्स से और मिनरल किंगडम से, मिनरल मास्टर्स से
हम सारे एनर्जीज हमारे शास्त्रारा के थ्रू, हमारा एनर्जी बॉडी को कंप्लीट फिल कर रहे हैं। आपके सारे एनर्जी बॉडी मिनरल्स की शक्ति से, क्रिस्टल्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार हो रही हैं। हमारा एनर्जी बॉडी में से, हमारा पंच कोश के अंदर मिनरल एनर्जी को हम ले रहे हैं। पंचकोश में से ये मिनरल एनर्जी हमारा एनर्जी सर्कल्स एक एक चक्रा के अंदर सारे मिनरल्स को एब्जर्व करने की शक्ति बढ़ रही है। मूलाधार चक्रा से सहस्रार चक्रा तक एक एक चक्रा के अंदर मिनरल एनर्जी कंप्लीट एक्टिव हो रही है। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू फ्रेंड ओनाकाइट, थैंक यू मिनरल मास्टर्स, थैंक यू टू क्रिस्टल मास्टर्स फॉर गिविंग अस द ग्रेट नॉलेज एंड फुलफिलिंग अस विद योर मिनरल्स इंफॉर्मेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। हमारे लाइफ में क्रिस्टल्स आए हैं और हमारा जिंदगी बहुत बदलाव होना शुरू हो रही है, और इस मास्टर्स के थ्रू हम बहुत सारे मैजिक्स हमारे लाइफ में हम करने वाले हैं। हम मास्टर्स बनने के लिए जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए वो क्रिस्टल्स के थ्रू हम ले रहे हैं। ऐसे गैजेट्स को हमारा लाइफ में देने के लिए थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे
आपकी दोनों हाथ आंख के ऊपर रखें